हाय स्टुडंट्स आजच्या लेक्चरमध्ये आपण व्हेरियन्स आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन हा पॉईंट शिकणार आहे त्याच्यावरती प्रॅक्टिस म्हणून आपण टेक्स्टबुकचे सेवन पॉईंट वन एक्सरसाईजमधले क्वेश्चन्स करणार आहे त्याच्यानंतर फायनली डी पी पी फिफ्टीन एमसी क्यूज आहेत करेक्ट आणि आजच्या एमसी क्यूज डेफिनेटली कालच्या एमसी क्यूपेक्षा थोड्याशा वरच्या लेवलच्या असते आणि मेनली आजच्या सी क्यूजमध्ये थोडंसं वेरियन्स स्टँडर्ड डेव्हिएशन मीन हे थोडंसं जास्त प्रमाणात विचारलं गेलं आहे okay. ओके तर uh, स्टार्ट करूया पहा आजचं सेशन बट त्याआधी आणखीन थोडंसं मला बोलायचं तुमच्याशी तर पहा रे तुम्ही टाइम टेबल तर फॉलो करताय ना कारण की टाइम टेबल खूप जास्त महत्वाचं नाही का तर जे काही फायनल स्कोअर असतो हा तुमच्या एफर्ट्सवरती डिपेंड करत असतो ना की तुम्ही पहा जसे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही खूप सारे व्हिडिओ बघताय खूप सारे लेक्चर लेक्चर पाहण्यातच तुमचा पूर्ण दिवस जातो असं पण नाही झालं पाहिजे साइड बाय साइड तुम्ही तुमचे नोट्स काढले पाहिजे साइड बाय साइड हे जे एमसीक्यूज क्यूज आहेत हे तुम्ही स्वतः प्रिपेअर केले पाहिजे फक्त पाहण्याने नस्त रे ऐक्चुअल मैं तुम्हारा तो कराएं लगत खरच कराएं लगे बरबर सो so, ठीक है यार तुम्हें वीडियो तो डेफिनेटली पहाय लग रिथु तुम्हें शिकना नहीं का पन जितक पहता है ना जितक अटेंड करता है न तितुमका अभ्यास पाइम आला पाजेजे एक साधी गोष है जर का तुम्हें चार तास जर का वीडियो पहात आल तो तुम्हें सहा तास अभ्यास किया वन पॉइंट like, फाइव नहीं मल्टिप्लाय कराए सीम्पली जे पहाता है जितक पहता है इंटू वन पॉइंट फाइव कराए एकदम बेसिक कैलक्युलेशन है तुम्ही पाच तास अभ्यास केला तर इन्टू वन पॉईंट फाईव्ह पाच तास व्हिडिओ पाहिला इन्टू वन पॉईंट फाईव्ह करा सेवन पॉईंट फाईव्ह आर्चा तुमचा स्टडी नक्कीच झाला पाहिजे सेल्फ स्टडी बोलतो तुम्हाला बरोबर म्हणजे ते पाच तास तोडून सेव्हन पॉईंट फाईव्ह तुम्ही म्हणणार सर इतकं असतं का नाही का अरे यार हंड्रेड पर्सेंटेज स्कोर करणे हे इतकं सोपं आहे का <गा> मग नाही का तितका स्कोअर करण्यासाठी खूप साऱ्या गोष्टी कॉम्प्रोमाइज करायला लागतात नाही का घरचे सर्वजण मूवी पाहत असतील बट आपण कुठेतरी एका कोपऱ्यात बसून दुसऱ्या रूममध्ये बसून अभ्यास करत असेल आपले फ्रेंड्स वगैरे बाहेर खेळायला जात असतील बट आपण घरी बसूनच अभ्यास करतो ला जातात तरी पण आपण घरी बसून अभ्यास करतो समजतात कधी कधी रात्री जागायला लागेल समजा दिवसाचा जो काही आपला टार्गेट असतो तो जर का पूर्ण नाही झाला कधी कधी झोप कॉम्प्रोमाइज करायला लागेल बरोबर पण जो आपलं काम आहे ना दिवसाचा तो काम झालंच पाहिजे हे फक्त फॉलो करायचं इम्पल बॅटचा सर्वात मेन जो पॉईंट आहे तो आहे स्केड्यूल नाही का जो आम्ही तुम्हाला बनवून दिला तो फॉलो करायचा आहे तुम्हाला असं समजा तुम्ही की फिजिक्सचे टीचर नाही समजत मॅथमॅटिक्सचं टीचर नाही समजत केमिस्ट्रीच्या टीचरचं नाही समजत बायोलॉजीचे टीचरचे नाही काही नाही समजत तुम्हाला ठीक आहे यार काही नाही समजत काही प्रॉब्लेम नाही पण फक्त आणि फक्त जर का तुम्ही तो स्केड्यूल जरी फॉलो कराल ना तो स्केड्यूल फॉलो करायचा व्हिडिओ तुम्ही कुठून पण पाहा रे बाहेरून पहा तुमच्या क्लासमधून तुम्ही शिकून घ्या नाही का ऑफलाईन क्लासमधून जो कोणता तुमचा क्लास असेल पण जर तुम्ही तो स्केड्यूल फॉलो कराल तर बेसिकली त्याच्यानी होईल काय माहिती का एंडपर्यंत ओके याची गॅरंटी जर का तो स्केड्यूल फॉलो कराल तर एंडपर्यंत तुमचा सिलेबस व्यवस्थित प्रिपेअर होऊन जाईल त्याची गॅरंटी हा स्केड्यूल जातो नाही का आणि इथे एक एनर्जी मिळते रे कमेंट्स पण वाचले काही जणांचे की एक दोन कमेंट्स असे होते नाही का की सर माझा आधी अभ्यास नव्हता होत पण uh, काय माहिती म्हणजे इथे एक uh, एनर्जी आहे समथिंग बिकॉज बॅच मध्ये की uh, प्रॉपर त्या शेड्यूल प्रमाणे अभ्यास आम्ही करायला लागलो आहे आता नाही का आधी आधी असं होतं की आम्ही भरकटायचो नाही का अभ्यास करण्याची तर इच्छा असायची पण असं काही टार्गेट नव्हते मिळत आम्हाला की आज हे करायचं उद्या हे करायचं परवा एक्झाम आहे वगैरे नाही का तर हे याच्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म इम्पॉर्टंट आहे की uh, इथे एक प्रॉपर तुम्हाला स्केड्यूल मिळणार आणि जर का तो तुम्ही वापरत वापर वापरला ना रे म्हणजे जो शकेड्यूल वगैरे आहे जर का तो तुम्ही असाच सोडला नाही का तर काहीही फायदा नाही आहे याचा आणि मी परत परत सांगतोय मुलांना की हा एक हा एक लास्ट चान्स आहे की आम्ही तुम्हाला इथून पुढे घेऊन जाऊ शकतो एंडपर्यंत बस बस तुमचा थोडासा साथ पाहिजे तुमचं थोडंसं हार्डवर्क पाहिजे तुम्ही पण स्वतः केलं पाहिजे पण तुम्ही जर का एक किंवा दोन महिन्यानंतर जागे व्हायला आणि करायला लागाल तर आम्ही पण तुमच्यासाठी तिथे नसणार आहेत मग तुम्हाला कोण मिळतील सांगतो मी तुम्हाला मग तुम्हाला मिळतील शॉर्ट ट्रिक्सवाले हे इतकं करा शंभर मार्क मिळवा मग तुम्ही असे व्हिडिओज पाहणार नाही का ट्रस्ट मी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जास्त मार्क्स स्कोर करना स्टूडेंट्स जे डे वन पास अभ्यास कर बेसिक है यार हे फार साधी गोष्ट नहीं का नक्कीस तुम्हारा महती तो मैं संगा है यार कि आतापासन पुया अपन मैं महत्ति तुम्हें अभ्यास किया आत्तापर्त बट आखिर थोड़स जास्त कारण की एम साधे सुधे तो नहीं ना अपने अपने एम हंड्रेड पर्सेंटे बरबर भले ठीक है चलो हंड्रेड पर्सेंटाइल पड़े नहीं पड़े माहित मे बी नाइंटी नाइन पड़े नाइंटी नाइन पॉइंट फाइव पढ़े नाइटी नाइन पॉइंट इंट्ठे पड़े पन एम तो हंड्रेड पर्सेंटाइल्जा है थोड़ाफार लाइक या दिवी कहीं चुका मुका होता सिली मिस्टेक्स वगैरह ओके बट हंड्रेड आइल का कंटेंट मजा डोसमोर असला पाजे मजे प्रिपरेशन पाजे असाच अपला एम आला पाजे तो करना खूब जास्त एफर्ट्स लगता जे तुम्हें आम इज तो पहा वेरियंस मैं इतना स्टार्ट करता एक्जैक्टली वेरियंस का आत्तापर्यंत आता वेरियंस स्टैंडर्ड डिएशन यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कराँचल आज लेक् अरे एक्टली वेरियंस का ना, वेरियंस क्या आस वेरिएशन मेजर करते हैं एक्चुअली तो रीडिंग मतलब वेरिएशन मेजर करते मैं तुम्हारा जो तो इंटरेस्ट ना तो, तो रैंडम वेरिएबल बोलो तो कि नहीं मग रैंडम वेरिएबल के जे आउटकम्स आउटकम्सा वेरिएशन मे कि वेरिएशन स्टडी कर इज नथिंग बट बरोबर एग्जांपल सांगतो मी तुम्हाला पा एग्जांपल सांगतो मे बी तुम्हाला आठवत असेल यार की काल एक एक्झाम्पल मी घेतला होता एका पाईपचा नाही का पाईप, पाईप मॅन्युफॅक्चरर होता एक जो की फिफ्टी मिलीमीटर डायमीटरचा पाईप मला देणार होता फिफ्टी मिलीमीटर इनकेस जर कालचा लेक्चर कोणी पाहिलं नसेल तर थोडंसं समजून घ्यायचं काय काय करायचं एक पर्सन आहे जसं की समजा मेबी तुम्ही किंवा मी तर आपल्याला फिफ्टी mm मिलीमीटर डायमीटर असलेला पाईप पाहिजे डेफिनेटली कोणीतरी बनवून देईल आपल्याला मॅन्युफॅक्चर करून देईल प मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मेरे थोड़े एरर्सत एरर्स एक्जैक्ली फिफ्टी मिलीमीटर बोल तो एक्जैक्टली फिफ्टी नस्त मिले फिफ्टी पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर मिले फिफ्टी पॉइंट जीरो टू मिलीमीटर मिले मिली मिल। थोड़ा फार कमी जाती वगैरह आता, थोड़ा फारत थोड़ा फार थोड़ थोड़ बस्तर नितक इतें रिप्रेजेंट करते बट समझु जस्ट एक एक्जाम्पल तुम्हारे यस ठीक है पहा तो मैन्युफैक्चर का हजारों पाइप बनव अंगे मेरा एक वीस एक हजार पइप पाइजे वीस हजार पइप तीन बनना दिल प्रत्येक पाइप फिफ्टी मिलीमीटर mm डायमीटर चा का नहीं है नहीं है ना अपन काल टेबल थोड़ा सा होता हाँ नहीं का कि तो का तो थोड़े से पन्ना मिलीमीटर mm डायमीटर के का पाइप बनता है कहीं फोर्टी एट मिलीमीटर mm डायमीटर से पाइप बनता है कहीं फोर्टी फाइव मिलीमीटर mm डायमी पाइप बनता है कहीं फिफ्टी टू mm मिलीमीटर के पाइप बनता फिफ्टी फाइव मिलीमीटर की पाइप बनत है बराबर सेम 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 इतने दुसरा एक टेबल दोन टेबल है बड़े इतना हा पहिला मॅन्युफॅक्चरर आहे आणि हा दुसरा मॅन्युफॅक्चर आहे आता कोणाकडून घ्यायचं हे आपल्याला ठरवायचं आहे बरं नीट समजून घ्या तुम्ही सो जो तो सेकंड मॅन्युफॅक्चर आहे ना तो पण सेम सेम फोर्टी फाय फोर्टी एट फिफ्टी फिफ्टी टू फिफ्टी फाय दोघे पण एक्झॅक्टली सेम डायमेन्शनचे पाईप बनवतायत असं क्लेम करत आहेत पण आणखीन टेबल पाहण्याची गरज आहे आपल्याला बरं टेबल पाहायचं आणखीन आपल्याला पाहता पुढे तर काय पहिला जो मॅन्युफॅक्चरर आहे फोर्टी फाईव्ह mm मिलीमीटरचा पाईप बनण्यास बनण्याचा जो प्रॉबिलिटी तो झिरो पॉईंट वन नाही फोर्टी एट मिलीमीटर डायमीटर पाइप बनना चाहता है प्रॉब्लिटी जीरो पॉइंट थ्री है फिफ्टी मिलीमीटर डाइमीटर पाइप बनना चाँच प्रॉब्बलिटी जीरो पॉइंट टू है जीरो पॉइंट मुझे क्या जीरो पॉइंट टू है अर्थ क्या तो जर का शंबर पाइप बनने जीरो पॉइंट टू नहीं मल्टीप्लाय करा ट्वेंटी शंबर पाइप तो ट्वेंटी पाइप ना फिफ्टी मिलीमीटर से पा जीरो पॉइंट थ्री का अर्थ क्या शंबर पाइप जर का बन थर्टी पाइप्स है फिफ्टी टू मिलीमीटर से फिफ्टी फाइव पइप सॉरी फिफ्टी फाय डायमीटरचे पाईपचं प्रॉबेबिलिटी झिरो पॉईंट वन आहे फाईन यार इथंपर्यंत ओके मला सर्व काही क्लिअर आहे इथेपर्यंत बरोबर आता मी असा विचार करतो यार घ्यायचा कोणाचा घ्यायचा कोणाचा मग मी एक काम करतो मला फिफ्टी मिलीमीटरचा mm पाईप पाहिजे होता ना तर मी मीन काढेन काय काढेन मीन म्हणजे भलेही ते अलग अलग डायमेन्शनचे पाईप बनवत आहेत बट मी सर्वांचं जरा ॲव्हरेज करतो मीन डायमीटर पाहतो मग सम मीन तर माहिती तुम्हाला आपण काल शिकलं काय असतो रे समेशन ऑफ पी आय एक्स आय असतो बरबर कि नहीं समेशन ऑफ पी आएक्सो है हे पार हे थे के हे है पी आई एक्सा इतें है बी पी आई इन टू एक्सा मल्टिप्लिकेशन के इतें समेसन ऑफ पी आई एक्स है मग समेन ऑफ पीए समेशन ऑफ पी एक्स एडिशन कर सर्वे तो ऐडिशन तो ऐडिशन मुलांको तुम्हारा फिफ्टीज बनते हैं कभी बनतो है फिफ्टीज बनते हैं मैं ठीक है यार फिफ्टी बनतो है फिफ्टीजा पाइज होता सो मीन वैल्यू फिफ्टी है मेजे so, तो संगत है मैं मैन्युफैक्चर कि ऑन एन एवरेज सर फिफ्टी मिलीमीटर डायमीटर बर पाइप मीन मीन फिफ्टी मिलीमीटर है बर यार तो दूसरा मैन्युफैक्चर पन तो संग तुम्हें न पीआ एक्स इतेंपन कर पी आई एक्स पी आएक्स एक मल्टिप्लिकेशन कराया सर्वे नहीं, नहीं या सर्वें एडिशन करा चला सो गाईज मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्सपेक्टेड डायमीटर ऑफ पाइप इज फिफ्टी मिलमीटर मैं का प्रॉब्लम नहीं आत्ता तरी आत्तापर्तंत्र मैं का प्रॉब्लम नहीं देम रिजल्ट दाखो देते नहीं दें सेम गोष्टी दाखते हैं सेम गोष्टी संग फिफ्टी मिलीमीटर मीन है सेम सेम डाया पाइप्स देते तो हैं बट प्रोबेबिलिटी थोड़ी वेगे आता तैसा थोड़ा जाऊँगा डीप में समझ ल मैं इतना ओके फाइन ओके okay. आता मी विचार करेन कि यार को सगा रही कमेंट कमेंट सेक्शन मे जरा खरच तुम्हारा समझल थोड़ा बहुत तो प्लीज कमेंट सेक्शन मध्य मेसेज करा आता इतने वीडियो पॉज करा कमेंट्स करा माँ कि मैन्युफैक्चरर वन कि मैन्युफैक्चरर टू को मैन्युफैक्चर कड़ी अपन पाइप्स घजे टेबल बगुन तरी तुम्हें सगा माला ओके okay? आता पार आता मी का महती है मैं थोड़ा सा स्टडी करते मैं थोड़ा सा वेरिएशन का स्टडी करते वेरिएशन है मीन मीन डायमीटर मीन डायमीटर हा फिफ्टी है नहीं का मीन डायमीटर 50 है मग इधे इधे पेल्ला रो मधे एरर फाइव है पा ना मीन फिफ्टी है बनला फोर्टी फाइव है मीन फिफ्टी है बनला फोर्टी फाइव है कि उलट करा तुम्हें फोर्टी फाइव मैनस फिफ्टी करा मे माइनस फाइव सो माइनस साइन का इंडिकेट करो कि छोटा बनला इधला एरर पहा बर यार पाजे फिफ्टी का फोर्टी एट बनला है मायनस टू इधला एरर पहा बर पाजे फिफ्टी का फिफ्टी बनला है जीरो एरर है

खूब डिटेल में पार है आप थोड़स व्यवस्थित समझुए सोल्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम है अपन डिस्कस करूँ फाइनली डेफिनेशन ऑफ वेरिएशन वेरिएशन चेक करें मैं मग मैं सर्वेंट एडिशन करेल प्रत्येक गोष्ट ही वेरिएशन है एक्चुअली हा वेरिएशन हा वेरिएशन है वेरिएशन है वेरिएशन है वेरिएशन सर्वेशन से एडिशन करेंगे जीरो बेल योजना अच्छा अर्थ है कहीं वेरिएशन जीरो है नहीं नहीं एक्चुअली एडिशन न तो पाइजे कदचित कार माइनस है कहीं प्लस है कहीं माइनस है कहीं प्लस है ठीक है इतने पार है वेरिएशन फोर्टी फाइव बन फिफ्टी चो पाइज तो फोर्टी फाइव का बनला है वेरिएशन इज माइनस फाइव सेमस राइल न इतें टेबल कारण कि वैल्यू तो सेंमच दस से मेल सर्व नहीं का यह अर्थ है का मग किस वेरिएशन ऐड कराएं तो जीरो बनेल एक्जैक्टली exactly जीरो बनाए वेरिएशन मजे अर्थ है का कि वेरिएशन नहीं है नहीं यार वेरिएशन तो है कहीं तरी तुम प्रोसेस चुकतो इतना है ऐड करना है, तुम मे बी चुकत है कहीं तरी ठीक है यार मे बी चुकता है बरबर बरबर का मत मैनसवा प्लस मेजे मैनसवा प्लस मेजे मे बी मग ऐड के एक तो दोन ऑप्शन एक तो मैनस वाला प्लस मे कर सर्वान कराएड कर स्क्वेर के निगेटिव पॉजिटिव होता है मग इत जो प्रिफर प्रीफर के स्क्वेर करना चाहता मेथड काय स्क्वेर करना चाहिए मेथड प्रीफर केिहिति पहा एक्स मैनस ऑफ मीन एक्स मैनस ऑफ मीन मीन ल्यू या साइन ने मी इे रिप्रेजेंट करीन है बर तो मीन मीन वैल्यू कि एक्सपेक्टेड वैल्यू तुम्हें समझू शकता एक्सपेक्टेड वैल्यू समझू शकता ओके सो एक्स मैनस ऑफ मीन वैल्यू हाँ एरर एरर वेरिएशन पन्न न वेरिएशन मेरा स्क्वेर कराएरिए माला मुला स्क्वेर कराए स्क्वेर मगर एडिशन कराया मगर क्या कहडिशन कराए आता मैं कर नीट पहा ते वेरिएशन होता ना मायनस फाईव्ह त्याचा स्क्वेअर करतो म्हणजे ट्वेंटी फाईव्ह बनतो वेरिएशन होता ना मायनस टू त्याचा स्वेअर करतो म्हणजे फोर बनतो वेरिएशनचा स्क्वेअर झिरोचा स्क्वेअर करतो म्हणजे झिरो बनतो टूचा स्क्वेअर करतो म्हणजे फोर बनतो फाईव्हचा स्क्वेअर करतो म्हणजे ट्वेंटी फाय बनवा आणि सर्वांचा ॲडिशन ज्यावेळेस करेन सर्वांचं ॲडिशन करेल मला फिफ्टी एट मिळेल मुलांना किती फिफ्टी एट तर हे एट मला इथून पण मिळतं रे हे बा याचा स्क्वेअर करा मायनस फाईव्हचा इथे ट्वेंटी फायव्ह बन स्क्वेअर करा फोर बनतं स्क्वेअर करा झिरो बनतं स्क्वेअर करा फोर बनत स्क्वेअर करा ट्वेंटी फाईव्ह बनत ॲड करा फिफ्टी एटच बनतो असा अर्थ आहे का याचा कि इधेन वेरिएशन फिफ्टी एट वेरिएशन फिफ्टी फिफ्टी एट आला दो वेरिएशन सेम क्या चुकत तो है अपन का गोष कन्सिडर के लिए पाजी होती अपन मे बी अटत मैं कारण की वेरिएशन तो है यार दो री, रीडिंग नक्की कहीं ना कहीं वेरिएशन है क्या वेरिएशन मैं संगा पा का वेरिएशन है इतना संगत पहा क्या एक तरी सम वेरिएशन मेजर करना तो किति डायमीटर पाप है मेजिए एक्स एक्स रैंडम वेरिएबल वैल्यू माइनस मीन का वैल्यू तो जो डिफरसो डिफरस आप जनरली एरर बोलते मग एरर स्क्वेयर वैल्यू इम्पॉर्टंट आप कारण कि निगेटिवला अपने पॉजिटिव कराएँ बोर ना तो एरर स्क्वेर वैल्यू आप इम्पॉर्टंट है पा थोड़ा सा प्रॉब्लम का संगत तुम्हारा दोगाचर कर ऐड के दोग वैल्यू सेम आया होता जे कि रॉन्ग है सो मनुन मनुन आता मैं तुम्हारा का सकते पा वाटत कि हा जो मैन्युफैक्चरर है तो चांगला चा है वन हा से खराब है तुम्हें पहालना फोर्टी फाइव मिलीमीटर डायमीटर पाइप बनने का प्रोबेबिलिटी जीरो पॉइंट वन है कमी चांसेस है फोर्टी फाइव ऐसी बनेल पे तुम्हें पहा फोर्टी फाइव ऐसी प्रोएबिलिटी जीरो पॉइंट थ्री जास्त चान्सेस है फोर्टी फाइव चलना अपने होता फिफ्टी बरबर ना मग हा माहिती का 50 मीन होते हैं 45 फोर्टी पण जास्त बनवतो 55 बनौते पण जास्त बनवतो पे जात बनते 55 फाइव पण म्हणजे एवरेज पर तो रहता हे, हे थोड़स चुकीस है तो नाही का आपण रिजेक्ट पाहिजे त्याला पाए रिजेक्ट पाहिजे रिजेक्ट के लिए पाजे समाला वेरिएशन जाते नाही का दूर दूर जातो वेरिएशन जात नाही का वेरिएशन कमी है भले ही तो तिथेपर्यतं गए फिफ्टी फाइव पण तसे बनलेले खूप कमी आहेत मजे मेजॉरिटी ऑफ पइप हे इतने हैं और साइड में थोड़े से कमी कमी पाइप है काउंट काउंट थोड़ा सा कमी 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 वाइए लगता मेजॉरिटी ऑफ पइप फिफ्टी वरती है नंतर कमी कमी वाइल लगता तिकड़े फार कमी कमी पाइप है बराबर पन सैकेंड के एग्जाम्पल में त नहीं है वेरिएशन से थोड़ेसा जास्त है बराबर सो आता वेरिएशन कसा मेजर के वेरिएशन ही प्रॉबेबिलिटी का पॉइंट अपन ऐक्चुअल में आनाल पाजे होता मैं आता ऐक्चुअल डेफिनेशन पहा वेरिएशन का ओके तो वेरिएशन इज डिफाइंड ऐस का वेरिएशन इज डिफाइंड ऐज़ हाँ, एरर हा एरर है ना एरर एरर सा स्क्वेर इंटूर एरर ची की पॉसिबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी पी आय लिखो मैं जस फिर पी आय इंटूचर पॉसिबिलिटी पहा एक्स आई मैनस एक्स आई मैनस म्यू तो रैंडम वेरिएबल वैल्यू मैनस मीन वैल्यू एरर स्क्वेर पर स्वेर पे क्या इंटू तो एरर होने की प्रोबेबिलिटी कराया बरबर ना तो मग जाऊन कुछ है है so, है है, है so, है, अपना वेरिएशन का वैल्यू होच्युअल वेरिएशन वैल्यू होता है ओके सो मे काम करो ये थोड़ा रप करो पर एक्सप्लेन करते हैं व्यवस्थित टेबल थोड़ा सा रब करते है ओके व्यवस्थित लिख सकते अपन आता इतने पर आता अपन डिफाइन करते हैं वेरियंस आता आप क्लियर जला बर कि वेरियंस एजेक्टी क्या का, का तो वैल्यू रैंडम वेरिएबल माइनस मीन ऐसा स्क्वेर कराएगा इन टू प्रोएबिलिटी कराया तो रैंडम वेरिएबल समेसन कराएगा प्रत्येक रैंडम वेरिएबल सा हा हा ऑपरेशन परफॉर्म कराएं परत पर ऐडिशन है समेसन सो so पा आता वेरियंस इट इज इक्वल टू समेसन ऑफ एक काम करते मैं इतना एक्सपांड करते एक्स आई चा स्क्वेर माइनस ऑफ टू एक्स आय म्यू बराबर प्लस 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 का स्क्वेयर इन टू पी आय तो है रे प्रोबेबिलिटी तो रहे सर ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल एक्स ओके सो वी ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज गज समेसन ऑफ एक्सआई स्क्वेर एक्सआई स्क्वेर इंटू तो पी आई आत्मजोन मल्टीप्लाय बराबर ना हाँ पी आई आत्मजोन मल्टीप्लाय हो सर्वान्ड सो माइनस ऑफ टू टाइम्स टू टाइम्स टू कॉन्स्टो बाहर ये तो समेशन बनते क्या रे पी आई है एक्सआई so, है म्यू म्यूपन okay. है ठीक है चलो ओके प्लस समेशन ऑफ अगेन पी आई इंटू म्यू का स्क्वेर कराएगा लगे अपना पी आई इंटू म्यू ऐसा स्क्वेर कराएगा ठीक है ओके सो वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू गाईज समेशन ऑफ पी आय एक्सआई स्क्वेर वेनस मजे समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्वेयर एजडी क्या मीत पी आई एक्स आई च स्वेर ओके माइनस ऑफ टू हे पा जे हे मीन है ना एक्चुअल मे बाहर का बाहर निकलो ना तो समेशन ऑफ उड़ता है समेशन ऑफ पी आई एक्स अरे यार समेशन ऑफ पी आई एक्स तो मन अतो मैं मीन लिव का स्टेप ठीक है चलो एक काम करते करता है तो जाूजन अल ठीक है तो इत लिखो मैं तो मीन बाहर का इतना लिखो मैं समेशन ऑफ पी आई एक्स है फाइन प्लस इधे पहां तो जो मीन है तो कॉन्स्टंट तो बाहर गेलाइजे इतना फक्त समेशन ऑफ पी आय रहो आता फाइनली वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आय एक्स आय स्क्वेर फाइन माइनस ऑफ टू म्यू हा जो समेशन ऑफ पी आए एक्स है ना तो, ज, तो ज मीन आतो एक्चुअली तो म्यू आता है ऐक्चुअली प्लस म्यू स्क्वेर तो समेशन ऑफ प्रोबिलिटी अरे सर्व प्रोबिलिटी एडिशन तो वन आला पाजे ना सो प्लस वन लिखो मैं इतना मगे करा mu square, बरा बर वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेसन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वेर फाइन माइनस ऑफ है टू म्यू स्क्वेर प्लस म्यू स्क्वेर इज माइनस ऑफ म्यू स्क्वेर है माइनस ऑफ का म्यू स्क्वेर बराबर ना मजे हा variance का फॉर्म्य बनला पा हाँ, variance का फॉर्म्यूला बनला का तुम्हें समेसन ऑफ पी आई एक्स आई च स्वेर मैनस ऑफ म्यू मीन मजे क्या समेसन ऑफ पी आय एक्स याचा whole स्क्वेर एक वे है पहा तुम्हें शकता पहा काय वेरियंस ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू ए समेन ऑफ पी आई एक्स आई पहिले पहले तुम्हें समेशन ऑफ पी आई एक्स आई ऑफ एक्स ना बरबर क्या ये आहे स्क्वेअर समेशन ऑफ पी आई एक्स आई ऑफ एक्स मग समेशन ऑफ पी आई एक्स आई च एक्सल एक तो ई ऑफ एक्सो मैं असेल तर ई ऑफ एक् स्क् बो समीशन ऑफ पी आई एक्साइ स्क्वेर जो आहे ना हा हा हा, हा।, तर, हा है क्या? तो हा काय बनतो माहिती का ई ऑफ एक्स स्क्वेर पण लिहू शकता हा वेरिन्स फॉर्म्युला आहे आणि एक पॉइंट आपण स्टँडर्ड डेव्हिएशन स्टँडर्ड डेव्हिएशन तर तो असा डिफाइंड अंडर रूट ऑफ वेरियंस इज कॉल्ड अ स्टर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ डेव्हिएशन सह फॉर्म्युला तुम्हारा लक्षाए भले ही कहीं ही लो तुम्हारा समझा डेरिवेशन बेरिवेसन का ही जीरो समझला सर मग मी का लक्षा इतक है तो वेरियन्स का फॉर्म्यूला वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेसन ऑफ पी आई एक्स आई च स्क् माइनस ऑफ ऑफ पी आई होल स्क्वेर एक लक्षा नहीं तो वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वेर मैनस ऑफ ई ऑफ एक्स का होल स्क्वेर अ लक्षा तरी चले मैं समझू शको कहीं मुला थोड़सपन डिफिकल्ट अरे का, का, तो का? कस कर सर्व कस कराएं एक्जाम्पल समझे ज्यादा अपन तीन चार न्यूमेरिकल करू एकदम परफेक्ट होलत तो थेरोटिकल पार्ट होता ना कि मैं तथे संगित नहीं का पूर्णपे थेरोटिकल एक्सप्लेनेशन ज़्या है ज्यादा अपन न्यूमेरिकल मैं अप्लाय कर क्लिक हो यूज कराएं बरबर ठीक है चलो सो so, जाऊे न्यूमेरिकल न्यूमरिकलखीन एक पॉइंट होता स्टर्ड डिविशन बरबर है होता अंडर रूट ऑफ वेरियन्स वी ऑफ एक्स डन पहा रे स्टार्ट करते पहां एक्सरसाइज सेवेन पॉइंट वन मदला क्वेश्चन नंबर नाइन ऑलरेडी क्वेश्चन आठ क्वेश्चन तो अपन काल्चर लेक्चर में बरबर थोड़ा सा पहा फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरियंस ऑफ एक्स ऑफ अ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एक्सपेक्टेड वैल्यू ए वेरियन्स पे का मैंने तो जो टेबल है ना तो टेबल मैं इतने लिखा है खरतर जो रैंडम वेरिएबल माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू सर्व क्या है ना तो लिखे प्रोबेबिलिटी पी ली हज नहीं का पी आएक्सा करो पी आएक्सा मैं तो दोडक्ट नहीं का दोगान प्रोडक्ट का माइनस जीरो पॉइंट फोर करा प्रोडक्ट रेड नहीं करते यार यो थोड़ा सा नहीं दिना है ओके का प्रोडक्ट माइनस जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फोर या दोगान प्रोडक्ट करा माइनस जीरो पॉइंट थ्री प्रोडक्ट इज जीरो प्रोडक्ट इज जीरो पॉइंट वन फाइव या दोगान प्रोडक्ट Is, uh, तो, कि तो। या एडिशन रे समेशन ऑफ पी आज सर्वे एडिशन कर बड़ा एडिशन तो एडिशन करते समझिशन है माइनस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव अस हा, हा 25, एडिशन बनो तो। मीन का वैल्यू हा माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव है समझु मी मील ठीक है आता करतो एक्स एक्स का स्क्वेयर करते एक्सआई का स्वेर पू शुम्मी है पा एक्स वैल्यू माइनस टू है तो माइनस टू का स्क्वेर फोर एक्सा वैल्यू माइनस वन ऐक्र वन एक्सा वैल्यू जीरो स्क्वेर जीरो वन ऐर वन टू ता स्वेर फोर बरबरना ना का महिला का कारण कि आप आइस स्वेर कराएँ प्रोएबिलिटी इंटू एक्सआई स्क्वेर क्या है पा पा नीट या दोनों मल्टिप्लिकेशन कराया दोनों कॉलम्स का नहीं का सो जीरो पॉइंट टू इंटू फोर क्या अपना जो कि जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट थ्री इंट वन क्या जो कि जीरो पॉइंट थ्री थोड़ी जीरो पॉइंट वन इन टीरो कराइज जोरो जीरो पॉइंट वन फाइन टू वन कराइज जीरो पॉइंट वन फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव फोर जो कि वन और अनिशन या ऑफ पी आई एक्साइज ऑफ pi सर्वान्च एडिशन मुला सर्वान एडिशन हाँ बनते हैं एडिशन जीरोट प्लस जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट वन सॉरी वन पॉइंट वन वन पॉइंट वन प्लस वन टू पॉइंट वन प्लस टू फाइव टू पॉइंट बनते करु एडिशन कर टू पॉइंट टू फाइव बनते मुला वेरियंस विचारता है विचार ना आधी मीन पन विचार रहे। हाँ ठीक है चलो मीन च वैल्यू तो ऑलरेडी का सो इज मीन वैल्यू दैट इज ई ऑफ एक्स जो वैल्यू है ई ऑफ एक्स जो काू है ओके दैट इज जीरो माइनस ऑफ माइनस ऑफ ऑफ एक्स जो कहीं वैल्यू है दैट इज माइनस ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव आता अपना का क्या वेरियंस वी ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स मे का ऑफ पी आएक्स स्क्वेर माइनस ऑफ समेशन ऑफ पीआई एक्स मीन जो काड़ा होता होल स्क्र कराँगा आप सॉरी समेशन ऑफ पी आई एक्स स्क् टू पॉइंट टू फाइव माइनस ऑफ का मीन का होल स्क्र करा मैं माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव का होल स्क्वेर कराएगा लगता है मैनसा स्वेयर प्लस होता जीरो पॉइंट जीरो फाइव का स्क्वेयर तुम्हें करुत माइनस करा अगर निग्लिजिबल ऑलमोस्ट आंसर टू पॉइंट टू फाइव ऐसा थोड़ा कम बने बट कैलक्युलेशन तुम्हें डेफिनेटली करू शता यस yes no? और okay? तो नो सूमी तो जो ओके पहा क्वेश्चन नंबर टेन फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरियंस ऑफ एक्स ठीक एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यूर फाइंड मोस्ट फेस विन अरे जेव एक डाय थ्रो करते वरती जो का अपना रैंडम वेरिएबल आता वरती का पहाना ये मैं ओके तो वरती का पड़ना वन पड़ना टू पढ़ना थ्री पड़ना फोर पढ़ना फाइव पढ़ार सिक्स पड़ना का ही पड़ना नहीं बट सर्व कहीं पढ़ना से प्रॉब्लिटी वन बिक्स कारण टोटल सहा फेसेस है सो वन पढ़ने से प्रॉब्लिटी वन बाय सिक्स टू पढ़ने का वन बाय सिक्स सर्व 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 वन बाय सिक्स वन बाय सिक्स वन बाई फाइन मीन का पीन तो महिला यार अपना पी आई एक्साई ऐसा एडिशन अतो मीन एक काम करते पी आई एक्सआई करा योग प्रोडक्ट करा क्या बनता वन बाय सिक्स या दोगाच प्रोडक्ट करा क्या रे बाबा टू बाय सिक्स करा प्रोडक्ट थ्री बाय सिक्स फाइन प्रोडक्ट इज फोर बाय सिक्स देन फाइव बाय सिक्स देन सिक्स बाय सिक्स से एडिशन करा लिख इत एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इट इज इक्वल टू गाइस, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। बराबर ना दैट इज इक्वल टू करा एडिशन। वन बाय सिक्स प्लस टू बाय सिक्स प्लस थ्री बाय सिक्स प्लस फोर बाय सिक्स प्लस फाइव बाय सिक्स प्लस सिक्स बाय सिक्स थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस फोर टेन प्लस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी वन बाय सिक्स आंसर इज ट्वेंटी वन बाय सिक्स एंड दैट इज इक्वल टू है समथिंग थ्री पॉइंट फाइव आसपास का थ्री पॉइंट फाइव बताए एक्जैक्ली सो गाइस एक्सपेक्टेड वैल्यू इज थ्री पॉइंट फाइव आता अपना का अपने इवन वेरियंस पे फाइन करा बोर वो वेरियंस का नहीं का तर, हाँ तो क्या करते वेरियंस आदमी इतने फॉर्म्युला थोड़ा इमेजिनेशन थोड़ा चांगल बना वेरियंस मजे अस्तो समेसन ऑफ पी आई एक्स आई चा स्क्वेर माइनस ऑफ समेसन ऑफ पी आई एक्स आयोजा होल स्क्वेर बरबर समेशन ऑफ पी आए एक्सआई अपन ऑलरे काड़ाला बर खरत कित का थ्री पॉइंट फाइव ओके मैं लिखू का इतने थ्री पॉइंट फाइव लिखा ऐवी ट्वेंटी वन बाय सिक्स प्रीफर करते लिण है तेज़ होल स्क्वेयर करते इतना कैलक्युलेशन अपने आता कराए समेशन ऑफ पी आई एक्सआई स्क्वेर कराएं समेशन ऑफ पी आय स्क्वायर स्वेयर क्या बगता एक्सआई स्क्वेर करा बर वन ता स्क्र वन टू ता स्क् नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव एंड थर्टी सिक्स नो आता प्रोबेबिलिटी एक्साय स्क् मल्टिप्लिकेशन पाया दिन कॉलम्चा मल्टिप्लिकेशन प्रोएबिलिटी आ एक्साइज का स्वेयर करा मल्टिप्लिकेशन वन बाय सिक्स मल्टिप्लिकेशन इज फोर बाय सिक्स फाइन मल्टिप्लिकेशन इज नाइन बाय सिक्स ओके देन सिक्सटीन बाय सिक्स फाइन ट्वेंटी फाइव बाय सिक्स ओके थर्टी सिक्स बाय सिक्स थर्टी सिक्स बाय सिक्स करा ऐडिशन इथे करू मी खालती इज समेशन ऑफ पी आय एक्साइच का सर्वान्च एडिशन करा था लास्ट का अरे वन प्लस फोर फाइव अदरज एक काम करा हा जो फोर है ना हा फोर देते मैं इतना थर्टी ला मग तो बनते तो फोर्टी लक्षा फोर्टी नाइन आनी सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव बराबर फोर्टी प्लस ट्वेंटी फाइव सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाय प्लस सिक्सटी uh, फाइव प्लस ट्वेंटी फाइ बो ना सिक्सी फाइव प्लस ट्वेंटी फाय करा तो नाइनटी बनते हैं नाइन प्लस तो रहने का वन एकदम वरती है तो बनता है नाइनटी वन सो गई नाइंटी वन बन है तो नाइटी वन डिवाइड बाय सिक्स बन है बर तो मग लिखूंग मैं इतना नाइनटी वन डिवाइड बाय सिक्स इतना पा नाइंटी वन डिवाइड बाय सिक्स मी इतें करते है बरबर एक काम करते मैं इतने नाइंटी वन इंटू सिक्स करते हवा तो अदरवाइज टेबल करू का टेबल नहीं होते बहुत नहीं का सो नाइंटी वन इंटू एक काम करते वरती सिक्स करते खाली थर्टी सिक्स करते बरबर ना माइनस ऑफ ट्वेंटी वन च कराल करा फोर फोर्टी वन डिवाइड बाय सिक्स का स्क्वे थर्टी सिक्स बनार आता आता काय रे इतन पूरे जे कैल्कुलेशन है यहाँ तुम्हें मला नका अनू हाँ मल्टिप्लिकेशन करा बरबर फोर फोर्टी में तो सबस्ट्रैक्ट करा डिवाइड बाय थर्टी सिक्स करा फॉर्मैट में राहू दया तो आपका इतना आंसर आना ओके सी गाइज क्वेश्चन नंबर इलेवन मे का फाइंड मीन नंबर ऑफ हेड्स इन अ थ्री टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन मीन नंबर ऑफ हेड्स हाँ नंबर ऑफ हेड मध्य इंटरेस्टेड है अपन तीन वे कॉइन टॉस के पड़ता पा बर नंबर ऑफ हेड्स मे इंटरेस्ट है सो नंबर ऑफ हेड जीरो वेस पेड पड़ू शोक वन वेस पड़ू शक दो वे पेड़ पड़ू हेड थ्री वेस पे पड़ू शीरो वेस पड़ने का प्रॉब्लिटी इज वन डिवाइड बाय जीरो टाइम्स हेड मजे ओनली टी 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 यस एक वेस हेड एक वेस हेड वे सीडवाला कोई वन ओके देन दिस धूके दज थ्री सो थ्री बाय ना टोटल थ्री फेवरेबल है टोटल तो एट है दोन वेस हेड पड़ने से थ्री बाय एट तीन वेस पड़ने प्रॉब्लिटी वन बाय एट है तुम्हारा महिदी कि मीन मेज पी आई एक्स एडिशन अत बरबर ना ई e ऑफ एक्स म पा मिथे लिखो तो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ई e ऑफ एक्स मेजेज़ समेशन ऑफ पी आए एक् आए पा रे पी आए एक् आई करा तो आधी या दोगा मल्टीप्लिकेशन करा जीरो मल्टिप्लिकेशन करा मुला थ्री बाय एट बनता करा योग मल्टिप्लिकेशन हा सिक्स बाय एट बनो परत इज थ्री बाय एट अगेन या मल्टीप्लिकेशन इज थ्री बाय एट नो कर ऐडन क्या मैं सर्वान्स एडिशन थ्री प्लस सिक्स नाइन प्लस थ्री ट्वेल बा एट बनते आंसर शुड बी ट्वेल्व बाय एट ट्वेल्व बाय एट तो वन पॉइंट फाइव आता यार कि वन पॉइंट फाइव है बराबर ना सो द मीन मीन नंबर ऑफ हेड्स इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव ऑन एन एवरेज वन पॉइंट फाइव टाइम्स हेड पड़ता सी गईस क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेलते क्या बोलते पहाता नीट टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियस दोन डाय थ्रो के लिए ठीक है चलो ओके इफ 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 एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ सिक्सेस में नंबर ऑफ सिक्स में फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मान पार दोन डाय थ्रो के नंबर ऑफ सिक्स का होता एक वेस पे सिक्स नहीं पड़ा जीरो टाइम सिक्स नंबर ऑफ सिक्सेस जीरो एकज वे सिक्स पड़ा दूसरा वे दुसरा कहीं पड़ा दोन वे दो वे सिक्स पड़ा तीन वे सिक्स नहीं होता दोन डाय थ्रो करते दोन सिक्स पॉसिबल सो इतक पॉसिबल है एंडम वेरियबल से वैल्यू नहीं का जीरो वे सिक्स पढ़ना च प्रोबेबिलिटी यार जीरो वे सिक्स मे मैं वाटत जीरो वे सिक्स मेरे सर्व पा नहीं सर्वाना एडिशन करा बराबर कितनी बनता है वन टू थ्री फोर फाइव फाय फाइव टेन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव मत हो ट्वेंटी तो फाइव डिवाइड बाय थर्टी सिक्स जीरो वे सिक्स पढ़ने की प्रॉब्लिटी ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाय थर्टी सिक्स एक वे सिक्स पढ़ने की प्रोबिटी पा बर है इतने इत एक वन टू थ्री फोर बराबर ना फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन टेन बाय टेन बाय थर्टी सिक्स दोनों वेड सॉरी दो वे सिक्स पढ़ना की प्रोबिलिटी ही वन डिवाइड बाय थर्टी सिक्स है तुम्हारा समझ लगे बरबर तो क्या विचारत फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मन है टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ सिक्सेस ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ सिक्सेस काउंट का विचारत है सो फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स करा रे मीन फाइंड करा एक्सपेक्टेशन मीन ना सो एक्सपेक्टेड वैल्यू मुलाशन ऑफ पीआ एक्स है बरबर न कर बर या दल्टी पीआई एक्स बर जीरो बनते तो। पीआ एक्स आई करा हा टेन डिवाइड बाय थर्टी सिक्स बनो कर पी आई एक् टू डिड बाय थर्टी सिक्स बनते सो एडिशन करा टेन बाय थर्टी सिक्स प्लस इतना लिखो टेन बाय थर्टी सिक्स प्लस टू बाय थर्टी सिक्स सो आंसर इज गाइस ट्वेल्व बाय थर्टी सिक्स दैट इज वन डिवाइड बाय वन डिवाइड बाय थ्री सो अपना आंसर बनते वन डिवाइड बाय थ्री वन डिवाइड बाय थ्री बरबर जोड़े नेक्स्ट का पा क्वेश्चन नंबर थर्टीन टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम दोन नंबर काढले ठीक है विदाउट रिप्लेसमेंट वापस थे ना डायरेक्टली दोन नंबर का आपको ठीक है फ्रॉम फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स ठीक है थोड़स मी विचार करते का पहा पॉजिटिव इंटीजर लिखित है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पहले सहा पॉजिटिव इंटीजर हे लेट एक्स डिनोट्स लार्जर ऑफ द टू नंबर्स ऑफ टेन एक्स मे मेहित दोन नंबर मतलब एक्स दोन नंबर मधला मोठा वाला नंबर मजे एक्स मुला ठीक है तो एक्स का बहुतेक अपना काड़ाच है टेबल कारण कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स विचारता मजे एक्सा टेबल आलाच पाजे ना विशेष नहीं है एक्स टेबल तोड़े प्रोसीड करू शो तुम्हें एक्सचा अपने टेबल पाजे टेबल बरबर ना पा परत थोड़ा सा समझू स सा ट्राई करता टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम दोनों नंबर सिलेक्ट कराए संबर मन दोनों सिलो ओके विदाउट रिप्लेसमेंट है एक लेट एक्स डिनोट्स लार्जर ऑफ द टू नंबर्स एक्सा नंबर दोन नंबर जो सिलेक्ट करे नाला नंबर एक्स एक्सत नंबर एक्स ठीक है ओके मैं विचार फाइंड ई ऑफ एक्स मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करा मैंने यार एक साधी गोष मह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज बेसिकली समेशन ऑफ पी एक्स है समेशन ऑफ पी आई एक्स आय करेक्ट मिला ना टेबल पाजे एक्स का पी चा तर मी ते तो मी तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आय वगैरह सर्वे करू शो बट टेबल टेबल ना बेसिक तो रिक्वायरमेंट टेबल चेर है मैं समझता दोन नंबर जर का मैं काड़े को सा नंबर का दोन नंबर मधला वन हा हाठा नंबर की प्रोबिलिटी जीरो है बरबर ना एक्स मे दोन नंबर मधला मतला नंबर एक्स वैल्यू वन आना चीज की प्रोबेबिलिटी जी जीरो नंबर का वन हा सर्वे छोटा नंबर यह समझता हो तुम्हारा दोन नंबर का वन हा छोटा दुसरा को टू जर निला टू वन पेक्षा बाय डिफॉल्ट क्लियर है गाइस ठीक है इते। इते तो पहाड़े तो पहा लिखो पहा कि

N of A, A वेस वेस, एन ऑफ ए सी जी फेवरेबल वेज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज डिवाइड बाय एन ऑफ एस तो नहीं का एक साधी गोष्ट अभी महती है अपने कि सहा नंबर मधुन जर का दोन नंबर सिलेक्ट सिले अह नंबर मधु जर का दोन नंबर सिलेक्ट सिल फिलेक्ट बोलते बड़ा अरेन्ज नहीं सिलेक्ट मग यूज कराए कॉम्बिनेशन ओके okay? थोड़स इतने परमिटेशन कॉम्बिनेशन च बेसिक लगता कॉम्बिनेशन से बेसिक लगता एन ऑब्जेक्टम आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट सिल्ड क्या नंबर ऑफ वेज आर एन सी आर सहा ऑब्जेक्ट मन दोन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कराए सिलेक्ट ना नंबर ऑफ वेज है सिक्स सी टू इतक वेज अत्य फेवरेबल वे तो ठीक है यार प्रत्येक केस मे अलग 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 नहीं का बरबर आता सिक्स सी टू ता जगह तुम्हें कैलक्युलेशन करा यू विल गेट सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरस फोर फैक्टोरियल इन टू टू फैक्टोरियल हा जो कैलक्युलेन तुम्हें करा सो टोटल नंबर ऑफ वेज जे ना रे तर ते तुम्हाला बेसिकली इथे फिफ्टीन मिळतील किती फिफ्टीन करा कॅल्क्युलेशन तो फिफ्टीन मिळेल तुम्हाला टोटल नंबर ऑफ वेजर फिफ्टीन आता मी काय करतो इथे पहा टोटल नंबर ऑफ वेज तर फिफ्टीन आहे तर अरे दोन नंबरमधला नाही जे दोन नंबर सेलेक्ट केले तर दोन नंबरमधला मोठा नंबर मोठा नंबर हा टू असण्याचे वेज सांगा मला तुम्ही एकच वे तुम्ही म्हणणार कोणता

तरी नंबर थ्री है थ्री टू तरी सिल्ठा नंबर थ्री है so सो फेवरेबल वेज आर टू बट टोटल वेज आर फिफ्टीन दंबर फोर वेज सलां फोर वेज फोर वन फोर टू फोर थ्री तीन वेज दर मुलाइव सन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर टोटल फोर वेज है नंबर सिक्स वेज है पांच है फाइव डिवाइड बाय फिफ्टीन समझ दोघांमधला मोठा नंबर सिक्स असण्याच्या वेज म्हणजे सिक्स तर असलाच पाहिजे ॲक्च्युअली बट सिक्स सोबत वन पण चालतो टू पण चालतो थ्री पण चालतो फोर पण चालतो फाईव्ह पण चालतो बरोबर सो सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाईव्ह असे टोटल पाच कॉम्बिनेशन्स आहेत आपल्यासाठी सो हा झाला टेबल काय काढायचं तुम्हाला एक्स्पेक्ट व्हॅल्यू ऑफ एक्स फाईन करायचं म्हणजे पी एक्स आहे करायचं मला ॲक्च्युली सो इथे लिहितो पहा मी आय एक्स आहे कारण मल्टीप्लिकेशन झिरो येतो हा मल्टिप्लिकेशन टू बाय फिफ्टीन हा मल्टिप्लिकेशन सिक्स बाय फिफ्टीन हा मल्टिप्लिकेशन ट्वेल्व्ह बाय फिफ्टीन मल्टिप्लिकेशन ट्वेंटी बाय फिफ्टीन फाइनल मल्टीप्लिकेशन इज थर्टी बाय फिफ्टीन जर का सर्वान्च एडिशन कराएल ना ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई एक्स सर्वान्च एडिशन करा ना का टू प्लस ए नेपाल टू बाय फिफ्टीन प्लस सिक्स बाय 15 प्लस ट्वेल्व बाय फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी डायरेक्ट करो यार फिफ्टी बाय फिफ्टीन फिफ्टी बाय फिफ्टीन करा एडिशन का बनो हा हा बनो ट्वेंटी ट्वेंटी सेवेन्टी बाय फिफ्टीन कि सेवेंटी बाय फिफ्टीन बनते सो सेवेटीन सेवनटी डिवाइड बाय फिफ्टीन अनर है करा सीम्प्लीफाइन फाइव से डबल फाइव थ्री ओके फाइव वन फाइव फोर सो फोर्टीन फोर्टीन डिवाइड बाय थ्री इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का इफ एक्स डिट सम्स ऑप्टेंड वेन टू फेर डाइस आर रोल्ड ओके दोनों डाई थ्रो के नंबर सम ऑफ नंबर एक्स है दोनों टाइम थ्रो के ले ले सम ऑफ नंबर का हो सकता जर का वन वन पड़ा नहीं कारपन समू होते पहा तो टेबल ऑलरे बनौला पर खूब जास्त टाइम जाएंगे सर्व का लिखने से नहीं का तो तुम्हें समझुक्त सम हा टू पू शो अपना इंटरेस्ट सम है रे समू हो सम थ्री पुव शको सम फोर फाइव सिक्स सेवन अपू ट्वेल्व पे हो लॉजिक लगता है तुम्हारा सम ट्वेल्व पू शको सिक्स सिक्स पड़ा कि सम बनता है ट्वेल्व मैं सर्वान् प्रोबेबिलिटीज लिया सम वन होना चीज चांस सॉरी सम टू चांस चाहिए चान्स फ कुछ रे तो चांस सम टू होने का चान्स फटा है वन आ वन बरोबर ना सो वन डिवाइड बाय टोटल थर्टी सिक्स सम सम हा थ्री होने चान्स दोन है पा टू वन आ वन टू नहीं का सो टू बाय थर्टी सिक्स इतने पा टू बाय थर्टी सिक्स सम तीन होने चान्स तीन है तीन, तीन नहीं रे सम चार नहीं का सम जर का फोर पाजे सो टोटल वेज आ थ्री सो थ्री बाय थर्टी सिक्स सम जर का तुम्हारा फाइव पाजे टोटल नंबर ऑफ वेज आर फोर फोर बाय थर्टी सिक्स अस करत करत कर जाए तो सर्वानी प्रॉब्लटीज फाइन बरबरते क्या मनत देन स्टैंडर्ड स्टर्ड डिवेसन स्टैंडर्ड डिवेसन फाइंड करावना है बर स्टैंडर्ड डिशन ठीक है करूँ पहा था तुम्हारा यह समझता करें कि आप पी आई एक्स आई कर लगे पहले स्टैंडर्ड डिशन वेरियंस फाइंड कराया हाँ तो एक वेरियन्सा इतने मैं फॉर्म्युला ली तो एक मिनट आधी आप लिया वेरियंस का फॉर्मुला वेरियंस फॉर्म्य महिला अपने वेरियन्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आक्स स्क्वेर माइनस ऑफ समेशन ऑफ पी आई एक्स होल स्क्वेर बरबर कि नहीं मग पा मैं इतलम सर्व गोष्टी आधी करात ओके जे पी आएक्स है ना पी आईस है जैसे एक्सन पिजा मल्टिप्लिकेशन एक्सन पिजा मल्टिप्लिकेशन एक्सान पिजा मल्टिप्लिकेशन एक्सन पिजा मल्टिप्लिकेशन एक है इतने लिहाय पी आए एक्स कॉलम में लिहा सर्व मल्टिप्लिकेशन करुन कर सर्वंसा एडिशन करा आंसर सेवेन बनो है कि सेवेन बनते है बरबर सेम एक्साइज का के मैं इतना आता हा एक नीन टेबल है ना हावाला टेबल इतने एक्साइज का स्क्वेर है एक्स स्क्वेर है मतलब परत पी आए एक्सआई स्क्वेयर पे कहला इतें पा लास्ट का कॉलम जर का पाल तो पी आई एक्स आई का स्क्र है कि मुलाो पी आई एक्सआई का स्क्र है मग तो पी आई एक्सआई तो, एक तो, तो, का स्क्वेयर सर्वान्च एडिशन तुम्हें कराल न तो फिफ्टी फोर पॉइंट एट थ्री अस बनते है कहीं तरी फोर्टी फोर बाय थर्टी सिक्स समथिंग माइनस ऑफ समेशन ऑफ पी आए एस आई सेवन बनता होता सेवेन बन का जगह स्वेयर करा तो फोर्टी नाइन बनार हाँ डिफरेंस जर तुम्हारे करा मुला हा फाइव पॉइंट एट थ्री समथिंग कहीं बन जाए डिफरस बरबर ना फाइव पॉइंट एट थ्री वगैरह जाए यस yes. हाला वेरियंस आता अपने पाइजे स्टैंडर्ड डिवेसन अरे स्टैंड स्टैंडर्ड डिशन अंडर रूट ऑफ वेरियन्स सो फाइव पॉइंट एट थ्री का अपना इतने अंडर रूट कराया लगे यस और नो तरी लॉक टेबल में तुम्हें पा गया पॉइंट एट थ्री का अंडर रूट पाठ ठीक है तो पा मुला क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का मतलब अ क्लास एज फिफ्टीन स्टूडेंट्स फिफ्टीन स्टूडेंट्स से एजेस दिल्त कहीं तरी फोर्टीन सेवेन्टीन फिफ्टीन सर्वे एजेस दिलित बोलते हैं पूु कि स्टूडेंट जे सिलेक्ट करना प्रोसेस है ना एकदम बायस्ट है मेरी प्रॉब्लम नहीं अनबायस्ड है सॉरी ओके सर्वाना इक्वल चांसेस है सिल्शन से एज रेकॉर्ड के ठीक है चलो ओके वॉट इज द प्रोबलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एक्स मेज़ एज है एक्स मुला एज है मगे विचार एज ऐसी प्रॉबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एज फोर्टीन आना की प्रॉब्लिटी का एज फिफ्टीन आना की का एज सिक्सटीन की प्रॉब्लिटी सेवीन एटटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन बरबर ना फोर्टीन एजवाले पहात तो है जरा वन टू ओके बस दोन फिफ्टीन एजवाला रे वन ओके देन 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 बस एक वाला एक फिर सिक्सटीन एज वाले कि पहा सिक्सटीन 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 वन टू दोन है ओके सेवेन्टीन एज तीन लोग एटीन एज वाले कितने स्टूडेंट्स है पहा एटीन एज वाले एटीन 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 वन 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 फक्त है एक है वन नाइन एज वाले बाबाटीन नाइनटीन 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 वन ओके देन 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 टू अ ट्वेंटी एज वाली ट्वेंटी 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 वाला वन okay? अच्छा, है टू है थ्री है टोटल तीन लोग वन वाला पहा एक है फक्त है। पा थोड़ास गड़बड़ नहीं जाएगी न काउंट करना मैं एक कैल्क्युलेशन कर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन बराबर एडिशन तो फिफ्टीन बनते ओके ठीक तो पा मुला टोटल फिफ्टीन स्टूडेंट्स है ना का तो आता टेबल थोड़स बनऊन का टेबल में पहा फोर्टीन एज आना स्टूडंट निघने की प्रोबेबिलिटी टू डिवाइड बाय फिफ्टीन है कारण की फिफ्टीनम वाले सो प्रोबेबिलिटी तो टू बाय फिफ्टीन बनते फिफ्टीन एज की प्रॉबेबिलिटी हा वन बाय फिफ्टीन है सिक्सटीन एच की प्रॉब्लिटी टू बाय फिफ्टीन है देन टू बाय फिफ्टीन है सेवेंटीन की थ्री बाय फिफ्टीन है ओके एटीन की पहा वन बाय फिफ्टीन है नाइन की नो टू बा फिफ्टीन है टू बाय फिफ्टी ओके ट्वेंटी थी थ्री बाय फिफ्टीन है थ्री डिवाइड बाय फिफ्टीन एंड देन फाइनली ट्वेंटी वन की वन डिवाइड बाय वन डिवाइड बाय फिफ्टीन है ओके करूँ क्या मल्टीप्लिकेशन समेशन ऑफ आई एक्स का विचार पहा नए वॉट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ के मैं आता है फाइन तो मीन काड़ा विरियस काड़ा स्टर्डर्ड डिविजन सर्वज काड़ा बनता तो ठीक मुल्टि है बाबा करा मल्टीप्लिकेशन या दोहनचि मल्टिप्लिकेशन पी आई एक्सआई कराएस ना अपने सो ट्वेंटी एट बाय फिफ्टीन बरबर ना करा मल्टीप्लिकेशन फिफ्टीन बाय फिफ्टीन देन सिक्स थर्टी टू बाय फिफ्टीन करेक्ट ना देन फिफ्टी वन बाय फिफ्टीन देन एटीन बाय फिफ्टीन फिफ्टीन सॉरी क्या फिफ्टीन चाहिए फिफ्टी वन लिहां ओके तो बराबर होता सॉरी ठीक है कर अरे फिफ्टीन 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 देन इधे थर्टी एट बाय फिफ्टीन बराबर इतने पहा सिक्सटी बाय फिफ्टीन फाइन इतने लास्ट इज ट्वेंटी वन बाय फिफ्टीन बराबर तो हा पी आस आई लिहा है मैं आता पी आई एक्स आई चल एडिशन करा लगे कारण क्या अपने फाइन कर मेन ना नारे सो so, मैं इतें लिखो तो है पहा एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आ एक्स आय आता या सर्वान से ज्यास मैं ऐडिशन करेन ना बराबर सॉरी ओके okay, सर्वन से ज्यादा अपन ऐडिशन करेलना का ही है ना एडिशन पी आए एक्सर एडिशन है तुम्हें इतने कर बर मे तुम्हारा इतने ई ऑफ एक्स का वैल्यू मिलना मजिए एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का वालू मिल रहा है बोर ना आता कस है महत्ति क्या लाइक थोड़ा टाइम कंज्युम है आजाज सो बेटर वे का है तो मैं तुम्हारा लाइक है दाखन देते कि कसा सॉल्व क्या तुम्हें तो सॉल्व करा ओके दें से एक्स स्क्वेयर है पहा इतना बरबर एक्स स्क्वेर के वैल्यूज तुम्हें शकता ना फोर्टीन का स्क्वेर वन नाइंटी सिक्स फिफ्टीन च टू ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी सिक्स सर्वानी स्क्वेयर इतने मेन्शन करा इतने प्रत्येक एक्सट्रा वैल्यू स्क्वेर वैल्यू इतने मेन्शन कर पी आई एक्स स्क् समझा प्रोबेबिलिटी आ एक्स है नहीं क्या द्वारा मल्टिप्लिकेशन करा इतना लिया मल्टिप्लिकेशन करा इत मगस पी आई एक्सर का स्क्वेर हाँ कॉलम थोड़ा थोड़स भरुन का सर्वे एडिशन करा यू विल विट पी आई एक्सआई स्क्वेयर फाइनली तुम्हारा महिला है वेरियंसा फॉर्म्युलायस इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्सआई स्क्वेर तो लास्ट वाला कॉलम माइनस ऑफ समेशन ऑफ पी आई एक्स आई होल स्क्वेर बरबर ना यह दोनों गोषी काड़ीन फिब्यूट कर कैलक्युलेशन कराएँ अपने इतक फक्त तुम्हें समझु क्या बरबर और ऑलरेडी मैं हा सर्व प्रोसेस तुम्हारा एकदम व्यवस्थित रीत एक्सप्लेन के परत परत कैलक्युलेशन परत परत थोड़स वर्क करने थोड़ा अवॉइड के लिए पाइज ओके बट तुम्हें प्रैक्टिस नक्कीस करूँ हा लास्ट क्वेश्चन है पहा एक्सरसाइज मदला क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्या मनते पहा इन मीटिंग सेवेंटी पर्सेंट ऑफ मेम्बर्स फेवर एंड थर्टी पर्सेंट अपोजेस अ सर्टन प्रपोजल ठीक है यार मे एक प्रपोजल है दोन होता हो तेला। एक तो फेवर के प्रपोजल रिजेक्ट के जो ओके के अपोज़ केला जाता ठीक है मेम्बर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक एक्स यू टू जीरो इफ यू अपोज है एक पार एक्स की जी वैल्यू जीरो कि जर का अपोज केला तर। करना की प्रोबिलिटी तो थर्टी पर्सेट जीरो पॉइंट थ्री है ना एक्स वैल्यू वन बनता इतने पहा एक्स वैल्यू वन कि जर का फेवर के बट फेवर करना की प्रोबिलिटी तो जीरो पॉइंट है ना समझता कि नहीं बरोबर बस हे दोनच गोष्टी आहेत एक्स्ट्रा दोनच व्हॅल्यू आहेत एक आहे झिरो एक आहे वन याच्यामध्येच डिस्कशन डिस्कशन आहे सर्व काही आता मग जर e का ते आपल्याला ई ऑफ एक्स विचारत असतील एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू बरोबर एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू जर का ते आपल्याला विचारत असतील तर पहा रे आता आपल्याला माहिती आहे एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू म्हणजे काय तर समेशन ऑफ पी आय एक्स आहे पा पी आय एक्स आहे करा काय बनतं हे झिरो बनतं प्लस एक्स आहे इथे खाली करा काय बनतं झिरो पॉईंट सेवन बनतं दॅट मीन्स आन्सर शुड बी झिरो पॉईंट सेव्हन सो एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ आउटकम इज झिरो पॉईंट सेव्हन बरबर ना ठीक है चलो ओके ना का वेरियंस पाइन करा माना यार आप वेरियन्स मैं ना समेसन ऑफ पी आई एक्साइच स्वेयर माइनस ऑफ समेशन ऑफ पी आई पी आई एक् होल स्क् ई ऑफ एक्स जे जो काड़े होल स्क्र जीरो पॉइंट फोर नाइन जीरो पॉइंट सेवेनचर जीरो पॉइंट फोर नाइन बराबर ना आता पी आई एक्सचं स्क्वेर नहीं का प्रोबेबिलिटी आ एक्साइज स्क्वेर कराएगा लगे अपाला मत समझ है तो एक्सर जीरो स्वेर जीरो वन सा स्क्वेयर वन बनना है शूटी नहीं काी आई इंटू मे जीरो पॉइंट थ्री इंटू इकन जर का मैं मल्टीप्लाय करेन थोड़स कलर चेंज करते जीरो पॉइंट थ्री इंटू इधे जो जर का मैं यहाँ स्क्वेयरसोब मल्टिप्लाय करें मी जीरो बन रो जीरो प्लस समेशन मन प्लस जीरो पॉइंट सेवेन इंटू वन सा स्वेर जीरो पॉइंट सेवन बन रो फाइनली मैनसो जीरो पॉइंट फोर नाइन तो है नहीं का सो so, तो आंसर शुड बी जीरो पॉइंट टू वन कितनी बनते आंसर करो जीरो पॉइंट टू वन दैट मीनस वेरियंस इज जीरो पॉइंट टू वन ओके तर पहा मुलांना आता आपण इथे हे कम्प्लीट केलेलं आहे क्वेश्चन नंबर सिक्स्टीन दॅट मीन्स कम्प्लीट एक्सरसाइज आपली झालेली आहे आतापर्यंत आपण काय केलं माहिती का डिस्क्रीट रँडम वेरियबलची एक्सरसाईज केली सेवन पॉईंट वन आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपल्याला कंटिन्युअस रँडम व्हेरिएबल पण स्टडी करायचं पहा मुलांना आता आपण स्टार्ट करतोय डीपीपी डेली प्रॅक्टिस प्रॉब्लम फिफ्टीन चा जो असाइनमेंट आहे तुम्ही या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला दिलाय डाउनलोड करा सॉल्व करा आणि त्याच्यानंतर हे व्हिडिओ सोल्युशन्स तुम्ही रेफर करताय जो कोणता एमसीक्यू नाही आला तासे वीडियो सोल्यूशन रेफर करता है यस यस स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर वन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरियबल इज ओके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिला कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिल तुम्हें समझू शता अपने विचार स्टैंड डेविएशन से वैल्यू का महिला पा कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो दैट इज एक्चुअली अंडर रूट ऑफ वेरियंस बरबर ना वेरियंस का अंडर रूट मेरे स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हारा समझु कि वेरियंस फाइन करा यस

हा की थी फाइव बाय थर्टी टू फाइव बाय थर्टी टू फाइन हा की किए ट्वेंटी बाय थर्टी टू ट्वेंटी बाय थर्टी टू ओके देन हा मल्टिप्लिकेशन बोला नो थर्टी बाय थर्टी टू थर्टी बाय थर्टी टू ओके देन दिस इज ट्वेंटी बाय थर्टी टू अगेन ओके ट्वेंटी बाय थर्टी टू ओके फाइनली हा बनो फाइव डिवाइड बाय थर्टी टू सो न्यूमरिटर फक्त एडिशन करा रहा है तुम्हें पहा ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर्टी फोर्टी प्लस हा जो टेन है ना ओके फिफ्टी फिफ्टी प्लस टेन करा ओके सॉरी फिफ्टी प्लस थर्टी एट्टी एटी बाय थर्टी टू बनतो सो so, okay, okay. like, दिस इज एक्चुअली एट्टी डिवाइड बाय थर्टी टू ओके मी इथे लिहून टाकतो डायरेक्टली एटी बाय थर्टी टू एटी बाय थर्टी टू आणि याचा होल स्क्वेअर ओके तर पहा पी आय एक्स आय करते वेळी भले हे डिवाइड होत असेल लाइक से फॉर एक्झाम्पल हा जो इथे दिसतोय ट्वेंटी डिवाइड बाय थर्टी टू भले तो डिवाइड होत असेल करेक्ट फोरनी कराल तुम्ही नाही का बट काय माहिती काय डिनॉमिनेटर हा थर्टी टू कॉमन राहिल्यामुळे ना हे ॲडिशन थोडंसं इझी बनतं सो उगज डिविजन वगैरह नादी तुम्हें नका लगू डिनोमिनेटर कॉमन टेयर आपको ट्वेंटी बाय थर्टी टू है महिहेती मैं सीम्प्लिफाई होते हो बट ट्वेंटी बाय थर्टी टूच लिया सो दैट तो एडिशन थोड़ा थोड़स सीम्पल बनता अपने क्या समेशन ऑफ पी आई एक्सआई स्क्वेर थोड़ा सा रप करते हाँ वाला पार्ट आता ना प्रोबेबिलिटी आ एक्सर स्क्वेर बराबर ना ये मल्टिप्लिकेशन पाए पेला करो क्या प्रोबेबिलिटी इंटू एक्साय स्वेर जीरोजो जीरो इंटू प्रोबेबिलिटी जीरो बराबर तो ठीक है अर ती लगना नहीं अपने हवाला पार्टन थोड़ा रब करते इतना ओके से पहा पी आई एक्साय स्क् बर इनटू इंटू वन ऑफ स्क्वेर वन ऐ स्क्वेर वनना चलो सो फाइव बाय फाइव बाय थर्टी टूज बनना है तो समेशन कराए मीस एडिशन प्रोबेबिलिटी इंटू एक्साइज ऐक्र टू ऐसा स्क्वेर फोर फोर नहीं मल्टीप्लाय करा टेनला नहीं का फोर्टी बाय थर्टी टू फाइन प्रोबेबिलिटी इंटू एक्साइज़् स्वेर थ्री झक्र नाइन इंटू टेन करा नाइन इंटू हा जो टेन है तो करा बन तो बनते नाइनटी डिवाइड बाय थर्टी टू बनार है प्रोबैबिलिटी समेषा प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इंटू एक्साइज का स्क्वर सिक्स फोर का स्क्वेर सिक्सटीन इंटू हा फाइव बाय थर्टी टू दैट इज एट्टी बाय थर्टी टू फाइन ए फाइनली प्लस प्रोबेबिलिटी इंटू एक्साइज स्वेर जो फाइव जक्येर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव बाय ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाय थर्टी टू बन रहा है तो आ सर्ज़ा जैसे तुम्हें एडिशन करा मुल्क बनो पा फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव करा थर्टी बनता बरबर थर्टी प्लस फोर्टी करा 70 बनता 70 प्लस नाइनटी करा वन सिक्सटी बनता वन सिक्सटी प्लस एट्टी करा टू फोर्टी बनता सो टू फोर्टी डिवाइड बाय थर्टी टू आ है क्या ओके मी तो लिखो पा फोर्टी डिवाइड बाय थर्टी टू टू फोर्टी डिवाइड बाय थर्टी टू सो अपने हा कैल्कुलेशन कराएं दैट इज वी ऑफ एक्स हा है आपका वी ऑफ एक्स ओके तो पा आता का होना है हा तुम्हारा समझ ली फाइनली जाऊन अपने अंडर रूट कराए नहीं का की मटत किोटी 240 इनटू 32 करतो डिवाइड बाय इथे 32 चा स्क्वेअर करतो माइनस ऑफ 80 चा स्क्वेअर 6400 करतो डिवाइड बाय डिवाइड बाय 32 चा इथे पण मी स्क्वेअर करतो करेक्ट कारण की डिनोमिनेटर मैं 32 चा स्क्वेअर केला आणि आपल्याला माहिती फाइनली करायचा आहे पाहा ना इथे का अंडर रूट आहे वेरियंसा अंडर रूट कराया सो करा so, 32 चा स्क्वेअर कॉमन करू मधून तो डायरेक्टली काढा बरोबर थोड़ा फार कैल्कुलेशन असं वाचू शकतो आपण ओके आखिर पन सीम्प्लफिकेशन का होता जस्ट मी विचार करो कि सीम्प्लिफाई होता का व्यवस्थित फॉर्मैट में ठीक है यार बहू सो स्टैंडर्ड डिवेशन गाइज इट्स इक्वल टू इट्स इक्वल टू थर्टी टू बाहर ओके ठीक है वरती का है बनता मल्टिप्लिकेशन कामन वगैरह होल तो बाहर है ओके मैं वाटत कि वरती तो जर का मैं थर्टी टू कॉमन के अंडरवूड चार अंडरवूड जर का मैं थर्टी टू कॉमन के थर्टी टू ब्रैकेट मे टू फोर्टी टू फोर्टी माइनस ऑफ माइनस ऑफ माइनस ऑफ टू जीरो जीरो टू हंड्रेड असा बन थर्टी टू कॉमन के बोलते हैं बर मैं बरबर मैं आतोर्टी बनला यस सो गाइस स्टैंडर्ड डिविशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थर्टी टू इन टू फोर्टी डिवाइड बाय थर्टी टू होल डिवाइड बाय थर्टी टू होल डिवाइड बाय थर्टी टू है ओके फाइन मग ये तुम्हारे आंसर बनार अंडर रूट ऑफ फोर्टी बाय थर्टी टू कारण खाल जो खाल जो थर्टी टू है रूट 32, रूट 32 तो मैं रूट थर्टी टू रूट थर्टी टू अटूट रूट कैंसल होता तो है एक्स्ट्रा थर्टी टू राहत खाली अंडर रूट में सो so, हाला आंसर है मुला नो इतने टेबल तुम्हें करू शता एट ता ओके एट फाइव जा एट फाइव जा फोर्टी एट फोर जा थर्टी टू दैट मीनस अंडर रूट ऑफ वन पॉइंट टू फाइव सो आंसर शुड बी अंडर रूट ऑफ वन पॉइंट टू फाइव दैट इज ऑप्शन नंबर फोर आपका इतने करेक्ट चॉइस नेक्स्ट संपा क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोलते हैं तो रैंडम वेरियबल एक्स एज द फॉलोइंग प्रॉबिबिल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है देन द वेयंस ऑफ एक्स इज प आज डीपीपी में वेरियंस स्टैंड डिवेसन थोड़े से जास्त न्यूमरिकल बरबर आज का डीपीपी जो है ना तो हा डेफिनेटली वेरियंस आने स्टैंड डिवेशन ओरिएंटेड बनवला ग बिकॉज काल डीपीपी मन थोड़स मीन रैंडम वेरिएबल गोष्ठी थोड़े डिस्कस के होता करेक्ट ना सी वेरियंस कैलक्युलेट कराएं बरबर पैल तो समझते कि के वैल्यू महत नहीं अपना सो पहले तो फोकसठ के वैल्यू अपना फाइंड कराए सो so, सर्व प्रोबिलिट एडिशन शुड बी इक्वल टू वन ओके सो जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट टू ओके प्लस जीरो पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट थ्री प्लस के हैज़ टू बी इक्वल टू वन ओके हाई एडिशन का रही है, है? हाई एडिशन जीरो पॉइंट सिक्स बनते के वैल्यू वन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर सो गाइस वैल्यू ऑफ के इज 0.4, पॉइंट फोर सो के जागी इत के जागी मैं लिखो है जीरो पॉइंट फोर यही है जे कैलक्युलेशन है ये सद्या रब करता ओके सो सर्वतान पहले काय केलं माहिती का आपण के वैल्यू करायचे के फाइन करें वेरियंस वेरियंस तो तुम्हारा फॉर्मुलाइजे मी तो इथे परत नाही का क्चर रिविजन सो इतने लिखो तरी वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समन ऑफ पी आय एक्स आई चेयर माइनस ऑफ समेसन ऑफ पी आई एक्स होल स्क्वे समेसन ऑफ पी आई एक्सप है पी आई इंटू एक्स आय नहीं क्या दोप्लिकेशन पा या दस मल्टिप्लिकेशन सॉरी मल्टिप्लिकेशन जीरो पॉइंट टू ओके लिखो मैं जीरो पॉइंट टू थोड़स कलर चेंज करते जीरो पॉइंट टू ओके प्लस मल्टिप्लिकेशन अरे पर जीरो पॉइंट टू परत या दोखा मल्टिप्लिकेशन जीरो पॉइंट नाइन पर दल्टिप्लिकेशन तुम्ही कराल तर हा बनतो तो वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सिक्स सो क्या बनता है टू पॉइंट नाइन बनता पहा तुम्हें करु पा टू पॉइंट नाइन हा टू पॉइंट फाइव बनो टू पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट फोर बनो नहीं का जीरो पॉइंट टू प्लस जीरो पॉइंट बोर सो टू पॉइंट नाइन रहा सो टू पॉइंट नाइन अपाला क्या ओके ठीक है चलो टू पॉइंट नाइन टू पॉइंट नाइन का अपना इधे स्क्वेर है माइनस ऑफ आई एक्सआई स्क्वेयर समेसन कराए पी आ, स्क्वेर चे समेन थोड़े से कैलक्युलेशन रब करते प्रोबेबिलिटी okay? है अपने कई पन है इतना जीरो पॉइंट फोर होता ना जीरो पॉइंट फोर ओके पहा प्रोबेबिलीटी इंटू एक्साय स्क्र वन ऐक् वन नही का सो so जीरो पॉइंट टूज बनते तो। प्लस समेसन है समेसन एडिशन करो प्रोबेबिलिटी जीरो पॉइंट वन है इंटू एक्साय स्वेयर टू का स्क्वे फोर बो फोर इंटू जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट फोर प्रोबेबिलिटी इंटू एक्साई स्क्वायर है पारे थ्री झेवेर नाइन तो नाइन इंटू जीरो पॉइंट थ्री करा तो टू पॉइंट सेवन मिल रहा है एंड फाइनली प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स ऐसा स्क्वेर फोर स्क्वायर सिक्सटीन सिक्सटीन इन जीरो पॉइंट फोर करा जीरो पॉइंट सॉरी सिक्स पॉइंट फोर मिल रहा है तुम्हारा सिक्स पॉइंट फोर मिल रहे दैट मीन दिस पी आई एक्सआई स्क्वेर का समेशन करते हैं ना का पार रे बाबा होता का कैलक्युलेशन वाइज तो, तो क्या हो रहा आता तो, हा जीरो पॉइंट सिक्स बनते तो. जीरो पॉइंट सिक्स प्लस सिक्स पॉइंट फोर हा बन सेवन सेवन प्लस टू पॉइंट सेवन ओके हाँ बन तो नाइन पॉइंट सेवन सेवन प्लस टू पॉइंट सेवन इज नाइन पॉइंट सेवन सो आंसर अपना नाइन पॉइंट सेवन माइनस ऑफ टू पॉइंट नाइन का स्क्वेर ओके जस्ट एज अ टू पॉइंट नाइन का स्क्वेर कराए करा सबस्ट्रैक्शन करा आंसर मैच करा आई गेस वन पॉइंट टू नाइन हालांकि आंसर होता है सीम्पल कैलक्युलेशन डेफिनेटली तुम्हें करू शता इतना मैं जाते थोड़स पूरे क्वेश्चन नंबर थ्री क्या चलो आला आता सोप्पा क्वेश्चन आला पहा पहा क्वेश्चन आसा है प्रोवेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफ एक्स इज गिवन एज फाइन तो विचार है वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस दैन थ्री बराबर एक साधी गोष्ट समझते कि प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस दैन थ्री एक्स वैल्यू तीन पेक्षा कमी पे बर आप एक्सी वैल्यू तीन पेक्षा कमी का एक्सी वैल्यू जीरो शकते ऑर ऑर एडिशन एक्से वैल्यू वन पालू शकते और मन जो एडिशन एक्शे वैल्यू टू पालू शकते थ्री नहीं चल रहा क्या थ्री पेक्षा कमी पाजे अपने आता एक कमेंट होता काल एक्चुअली स्टूडेंट ला एक डाउट होता कि सर एक्स वैल्यू तीन पेक्षा कमी बरबर ना मजे वन एंड टू एंड सॉरी जीरो एंड वन एंड टू तीन ही वैल्यू पॉसिबल होता मग एंड का नहीं है एट अ टाइम एक्सा एक वैल्यू हो पा ना एक्सा वैल्यू पेक्षा कमी है न बरबर मान्य मैं और यूज कराएगा एंड अ थोड़ा सा डाउट तो मी मैं संगत एट अ टाइम एक, एक, एक वैल्यू हो ना ही और, ना ही तो जीरो हो होल नहीं तो ऑर वन हो टू होट अ टाइम तीन वैल्यू होता है नहीं का जीरो पन वन पन टू पे पन, पॉसिबल नहीं है सो so प्लीज तुम्हें तो यह समझु क्या कि हाँ ऑर ऐंडिशन है ऑर ए तुम्हारा महती है मुलां ऑर आ कि एडिशन कराएस नहीं का एंड मेजर मल्टीप्लिकेशन ऑर मैं ऐडिशन सोचा आंसर का बनते प्रोबिलिटी ऑफ जीरो है ओके प्रोएबिलिटी ऑफ वन तो टू के है प्रोएबिलिटी टू सॉरी प्रोबिलिटी ऑफ टू हा तो फोर के सो so, हाँ so, तो so, uh, हा बनो सेवेन के सो गाइस जबर आंसर शुड बी सेवेन के बराबर बट के फॉर्मेट मैं आंसर नहीं पाला बट अपने कि सर्वांचा प्रोबेबिलिटीज़ एडिशन शुड बी इक्वल टू वन सो के प्लस टू के प्लस फोर के सेवेन के बनो प्लस टू के प्लस के मेरे परत थ्री के बनो मे सर्व प्रोबिलटीज एडिशन इट शुड बी इक्वल टू वन दट मीनस टेन के बी इक्वल टू वन दैट मेके टू वन डिवाइड बाय टेन हा वन डिवाइड बाय टेन जो है ना के वैल्यू तो टा सो यन्सर शूड बी सेवन इन वन डिवाइड बाय टेन दट मीस जीरो पॉइंट सेवन ऑप्शन नंबर वन हालांकि आंसर मुलाके कॉन्सेप्ट यूज या सर्व प्रोबेबिलिटीजा एडिशन जो ना? या सर्व एडिशन इट शुड बी इक्वल टू वन करेक्ट के नेक्स्ट सम पा सकता है कहीं एक टेबल वगैरह दिलात सिक्स इंटू ऑफ एक्स स्क्वे ठीक है माइनस ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स ये वैल्यू कल विचार बराबर ना ई ऑफ एक्स्वेर मे तुम्हारा समझ ली ई ऑफ एक्स एक्सक्शन ऑफ पी एक्सक्र कि, e कि हव तरह एक काम करा तुम्हें आता है तुम्हें एक काम करा वेरियस का फॉर्म्यूला वेरिंस फॉर्म्यो ई ऑफ एक्स स्क्वे माइनस ई ऑफ एक्स ऐसी होल स्क्वे महती है तो e e नहीं तुम्हारा बरबर ना क्लियर है सो सिक्स ई ऑफ एक्स स्क् मैनस ई ऑफ एक्स स्क्वे सिक्स ई ऑफ एक्स स्क् माइनस ऑफ ई ऑफ एक्स स्वेयर ओके माइनस माइनस इको प्लस होना हो ऑफ एक्सा होल स्क्वेयर बनारेशन आप दैट मीनस अपने क्या फाइव इंटू ई ऑफ एक्स स्क्वे फाइन प्लस ई ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स होल स्क्वेर अस करा अपना नहीं का ठीक है मैं करू ऑफ एक्स मे तो मीन अतो आधी मीन का घे हाँ तर? तो बरबर ना मीन सोपो आ थोड़ा सा कैलक्युलेट कर मीन का आधी मीन काी आई एक्स आय मल्टिप्लिकेशन चाहिए ऐडिशन समेशन ई ऑफ एक्स मे महती ना अपने समेशन ऑफ पी आई एक्स है प्रोबिलिटी गएगा एक्स गए मल्टीप्लाई करा समेशन ऐड करेंड करा पा पहला मल्टीप्लिकेशन बनो माइनस वन बाय थ्री दूसरा मल्टीप्लिकेशन तो जीरो बनना जीरो इंटू पान है जीरो इंटू वन बाय सिक्स जीरो तीसरा मल्टीप्लिकेशन बनते वन बाय सिक्स ओके फाइन चौथा मल्टीप्लिकेशन बनो टू बाय थ्री बराबर ठीक है काम करो मैं मैं मैनस टू बाय सिक्स लिखो इतने वन बाय सह इधे पी फोर बाय सिक्स जस्ट डिनोमिनेटर मेरे सेम करें सो न्यूमिटर मे जरूर तुम्हें चेक करा फाइव माइनस टू इज थ्री थ्री बाय सिक्स बनो थ्री बाय सिक्स वन बाय टू बरबर ना थ्री बाय सिक्स बन रहा है एक्चुअली तो दैट मीनस वन बाय टू बन रहा है सो तो टाकून दू का ई ऑफ एक्स जागी मी वन बाय टू टाकून देना है ई ऑफ एक्स ऐसी जाग वन डिवाइड बाय टू मैं टाकून देते मैं क्या स्क्वेर तक क्या स्क्र क्या है ठीक है चलो ओके थोड़स कैलक्युलेशन रब करो इतना पार्टा काम आता।, पार। आता भले भले ही तुम्हें टेबल ड्रॉ करू जर का बोर्ड मेथड मे कस टेबल है ड्रॉ कर पंट्रन्स एक्सामिनेशन में स्पीड का थोड़ा सा रिक्वायरमेंट सो जो कहीं क्वेश्चन में दिला है तिथे कैलक्युलेशन कराएं तस्बल में इमेजिन कर कैलक्युलेशन करा, करा तुम्हारा आता ना रे ई ऑफ एक्स स्क्वेयर कैल्क्युलेट कराए ऑफ एक्सक्र ई ऑफ एक् स्क्वेर मैं महिला ना समेशन ऑफ पी आय एक्साइज स्क्वेर एक्साइज का स्क्वेयर इंटू प्रोब मलिप्लिकेशन कराइनस वन नहीं पाइ माइनस वन ऐक् स्वेर वन इंटू प्रोबा मल्टिप्लेन दैट इज वन बाय थ्री ओके जीरो स्वेर जीरो इंट वन सिक्स इज जीरो फाइन वन च स्वयर वन इंटू वन बाय सिक्स करा तो वन बाय सिक्स रहना फाइनली टू स्क्वेर फोर इंटू वन बाय थ्री करा तो फोर बाय थ्री बनना बट ये तो सम्मेसन कराएं एक काम करा एलसीएम सीम करा तुम्हें ये मैं इतने टू डिवाइड बाय सिक्स लीतो प्लस दज वन बाय सिक्स ओके फाइन प्लस इतने मी य एट डिवाइड बाय सिक्स ली एडिशन 6, 6, तो एडिशन जर का तुम्हें करा मुलावन बाय सिक्स मिले तुम्हारा टा रही इतना इलेवन बाय सिक्स बरबर फाइव तो ऑलरेडी है तिथे इंटू एवन बाय सिक्स टाकून देते फिफ्टी फाय बाय सिक्स कहीं फिफ्टी फाय बाय सिक्स प्लस इतने वन बाय फोर बन रहा है ओके एलसीएम करा ट्वेल्व बनते एलसीएम ओके एम डबल करा लगता वन वन जीरो कराया प्लस इतने थ्री क्या लगता डिवाइड बाय ट्वेल्व करा सो आंसर शुड भी वन वन थ्री हा बावला आंसर असला पाजे सो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हा हालां इतने आंसर असेल ऑप्शन नंबर डी ओके पहा क्वेश्चन नंबर फाइव का बोलते पा थोड़ा सा एप्लिकेशन ओरिएंटेड न्यूमरिकल बेकर सेल्स फाइव टाइप्स ऑफ केक्स पास टाइप से तो केक बनते ठीक है सेल्स ऑफ ईच टाईप ऑफ केक गिव्ह प्रॉफिट ऑफ थ्री टू पॉईंट फाईव्ह टू वन पॉईंट फाईव्ह आणि वन ओके मला जितकं समजलं आहे ना तितकं थोडंसं मी जरा ड्रॉ करण्याचं इथे ट्राय करतो आपल्याकडे एक बेकर आहे ओके तर तो बेकर काय करतोय केक्स केक्स बनवतोय विकतोय ठीक आहे आता मी इथे एक काम करतोय थोडसं टेबल ड्रॉ करतोय इथे असं बघूया काय लिहू शकतो आपण इथे पाच टाईपचे केक आहेत केक नंबर वन केक नंबर टू केक नंबर थ्री केक नंबर फोर केक केक नंबर फाइव पांच टाइप से केक डन बरबर पुढ़े कॉस्ट पन है ना तो तथे कॉस्ट की प्रॉफिट है सॉरी प्रॉफिट है. है पहा प्रॉफिट प्रॉफिट है ना बरबर ना केक नंबर वन ज्यास तो सेल ओके कर तो करते प्रॉफिट कितनी महिला है तीन रुपए केक नंबर जर का सेल से तो टॉइट फाइव रूपीस प्रॉफिट है ताला. ठीक है यार केक नंबर थ्री सेल के दो दूर रूपीज प्रॉफिट है वन पॉइंट फाइव रुपीज़ प्रॉफिट एंड फाइनली इतने वन रुपीज प्रॉफिट है इतना लिखो पी ऑफ एक्स इतना लिखो पी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी केक नंबर वन सेल होने की प्रोबिलिटी टेन पर्सेंट बनते हैं तुम्हारा समझता है टेन परसेेंट डिवाइड बाय हंड्रेड तो वन डिवाइड बाय टेन बनत सो पी ऑफ एक्स हा वन डिवाइड बाय टेन बनते केक नंबर टू सेल होने से प्रोबेबिलिटी फाइव परसेेंट है फाइव बाय हंड्रेड है अरे फाइव बाय हंड्रेड वन बाय ट्वेंटी बोलो इतने ट्वेंटी बाय हंड्रेड बेसिकली वन डिवाइड बाय फाइव बन रहे वन डिवाइड बाय फाइव है फाइन फिफ्टी पर्सेट वन बाय टू वन रहे फिफ्टीन पर्सेंट मजे फिफ्टी बाय हंड्रेड बन रहा है फिफ्टीन डिवाइड बाय हंड्रेड बन रहे मेला अस आर कि हंड्रेड जर का ठेल ना बेस जाए डिनोमिनेटर कैलक्युलेशन ला मे बी थोड़ा इजी बनल बरबर सो मैं थोड़ीसी चुकी के लिए तिथि वन बाय टेन वन बाय ट्वेंटी वगैरह करूँ डाइरेक्टली मिथे टेन डिवाइड बाय टेन डिवाइड बाय हंड्रेड करो इतने का होता 100, है इतने बोलते फाइव डिवाइड बाय हंड्रेड ना फाइव डिवाइड बाय इतने हंड्रेड करो बेस सेम नहीं का इतने ट्वेंटी होते हैं एक ना ट्वेंटी पर्सेंट होता है ना ट्वेंटी डिवाइड बाय हंड्रेड करू अपन इधे ओके एंड इतने फाइनली वन डिवाइड बाय टू है फिफ्टी वरती फिफ्टी ए खाली डिवाइड बाय हंड्रेड माला इतना कराए लगे थोड़स दिना नहीं व्यवस्थित बट ठीक है थोड़ाफार करूडस्ट आता अपने क्या महत्ति है अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट काड़ा है सो प्रॉफिट हा अपला इतने रैंडम वेरिएबल है नॉट केक वन केक टू केक थ्री है आप रैंडम वेरिएबल नहीं प्रॉफिट इज अ रैंडम वेरिएबल इयर बराबर ना सो so, प्रॉफिटला तुम्हें एक्स समझा बर मेज एक्स की वैल्यू तीन होने की प्रॉब्लिटी का है एक्स वैल्यू तीन मेरे प्रॉफिट तीन होने की प्रॉएबिलिटी क्या है टेन बाय हंड्रेड है ना जैसे पुढ़च्च टेबल मे सो अपने का लगे महिला क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं का पहा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट करेक्ट जस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आता एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का समेशन ऑफ पी आई एक्स का मै तस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट का समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन टू प्रॉफिट प्रॉफिट अभी वैल्य इतना एक्साइजी फिर प्रॉफिट लिया मैं तिथे नहीं का क्या समेशन ऑफ प्रोबिलिटी इंटू प्रॉफिट पा पहले दल्टिप्लिकेशन थर्टी डिवाइड बाय हंड्रेड दूसरा दें इत पहा इतने इतने या दूरच्चा मल्टिप्लिकेशन जगह करा टू पॉइंट फाइव इंटू फाइव करा ट्वेल्व पॉइंट फाइव बनो सो गई ट्वेल्व पॉइंट फाइव डिवाइड बाय हंड्रेड फाइन प्लस देन 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 फोर्टी बाय हंड्रेड फोर्टी बाय हंड्रेड यस देन फिफ्टी इंटू वन पॉइंट फाइव करा तो सवेन्टी फाइव डिवाइड बाय हंड्रेड बनेल तो एंड फाइनली फिफ्टीन बाय हंड्रेड कितनी फिफ्टीन डिवाइड बाय हंड्रेड बनेल तो बरबर आता है ऐडिशन कर बर डिननॉमिनेटर तो हंड्रेडस uh, uh, okay? uh, रहना है शेवटी न्यूमिनेटर डायरेक्टली एडिशन कराएँ फिफ्टीन प्लस सेवनटी फाइ एट्टी नाइंटी नाइंटी बनते प्लस फोर्टी तो, वन थर्टी वन थर्टी प्लस थर्टी वन थर्टी प्लस थर्टी वन सिक्सटी प्लस ट्वेल्व ओके वन 172.5 वन समथिंग टू पॉइंट फाइव अस समिंग का बन बराबर हंड्रेड ने डिवाइड करा यू विल गेट वन पॉइंट सेवेन टू फाइव इज ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट Option, option है असा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी दिखते पाइप ऑप्शन नंबर सी जोड़े क्वेश्चन नंबर सिक्स पाए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज गिवन एज ठीक है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपल्याला हे पा समजते के दिसला की समजायचं रे सर्व प्रोबेबिलिटीज एडिशन शुड बी इक्वल टू वन के प्लस टू तो के प्लस फोर के ओके प्लस टू के प्लस के हैज टू बी इक्वल टू वन एडिशन का थ्री के प्लस फोर के सेवन के प्लस टेन के बनते टोटल बरबर सो टेन के शूड बी इक्वल टू वन के वैल्यू मुलान वन डिवाइड बाय टेन अला पाइजे बरबर तो आप क्या मत है वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू टू आता पार X है एक्सी वैल्यू दोन कि दिन पेक्षा जास्त मे एक x वैल्यू दोन पन चलते हैं और एक्स वैल्यू तीन पन चलते है और ऐडिशन एक्सी वैल्यू चार पन चलते चार पेक्षा पुढ़े नहीं है कहीं दोन तीन चार बस ना कि तेरे रैंडम वेरिएबल एक्स वैल्यूज वैल्यूसा ना जीरो वन टू थ्री फोर पर्यटन सो बस इतक सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू का है तो फोर के प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री है तो टू के प्रोबेबिलिटी फोर का है सर्वान्च एडिशन कराइल गेट सेवन के सेवन के के वन बाय टेन है टाकू दा जीरो पॉइंट सेवन तुम आंसर है तो दैट इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी 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 डी नहीं आ डी नहीं रे बाबा ऑप्शन नंबर सी शूड बी अवर आंसर फंक्शन ओके

बरबर थोड़स इधे ड्रॉ करते मैं इधे एक्स लीत पी ऑफ एक्स ली तो एक्स का वैल्यू वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है एंड देन सिक्स है वन चाला वन खाली जो है ना तो जीरो पॉइंट तो टू तो लिहाय आता टू या खाली मैं संग दिफरस लिहाय को दोगे डिफरन्स पहा क्या योगा डिफरन्स जीरो पॉइंट टू और जीरो पॉइंट थ्री सेवन मतला जो डिफरन्स है दैट इज जीरो पॉइंट वन सेवेन तो लिहाय टू टू या पॉइंट वन सेवन लिखित ना अपन के लिए समझ जीरो पॉइंट वन सेवन लिहाय इतना थ्री ऐसी महत्ति का, या थी का। तो थ्री ऐसी डिफरस लिया दाखो तुम्हें तो एक मिनट का या थ्री ऐसी थ्री ऐलती ता लिया डिफरस जो कि जीरो पॉइंट वन वन बनना है जीरो पॉइंट

सो आई गेस थोड़ा सा रेड कलर ब्लैक वो इतका व्यवस्थित ना दिसत ओके बट थोड़स इतने व्यवस्थित समझुन घेना ट्राई करा प्लीज हा वाला हा वाला आंसर ओके असा आंसर कुछ दिता है का तो फाइनली जीरो पॉइंट वन फाइव वाले अप्शन्स ओके जीरो पॉइंट वन सेवन ऑप्शन नंबर बी मैच होते होते ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी नहीं ओके एक मिनट का थोड़ा सा प्रॉब्लम का बी नहीं ए का ए यस ऑप्शन नंबर ए मैच होते मुला ऑप्शन नंबर ए अपना इतना आंसर यस जोड़े क्वेश्चन नंबर एट का रैंडम वेरिएबल एक्स इज अ पर्सन इंटरेस्टेड इन अ हाई प्रोटीन डाइट रैंडम वेरिएबल एक्स इज अ पर्सन इंटरेस्टेड इन हाई प्रोटीन डाइट ठीक है चलो ओके देन गेन इन वेट अगेन नहीं है तो गेन एक्चुअली देन गेन गेन ओके दैट इज गेन इन वेट इन अ वीक एक मिनट मैं थोड़ा नीट वाचल नहीं एक्चुअली ओके रैंडम वेरिएबल एक्स इज अ पर्सन इज अ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन हाई प्रोटीन डाएट देन गेन इन वेट इन अ वीक याराइक व्यवस्थित स्टेटमेंट नहीं है ऐक्चुअली ओके ऐक्चुअल मधे इतने गेन इन वेट हा रम वेरिएसन का जो इंटरेस्ट है ना तो गेन इन वेट है बराबर आता वेट गेन का एक के जी चाह गेन हो टू के जी हो वन केजी वेट गेन जा टू के जी कि थ्री के जी कि फोर के जी अत का नहीं ना वन केजी वेट गेन होता वन पॉइंट वन केजी पेट गेन होन पॉइंट टू के जी पु सकते मैं तुम्हें गैप गैप मत है ना पा क्या वेट गेन वन केज हो वन पॉइंट वन के जी पु 1.2 वन पॉइंट टू के जी पुको वन पॉइंट थ्री के जी पु सकते अरे मे पु सकता वेट गेन वन पॉइंट वन 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 के जी बरबर ना Gain, kg शकतो। gain, न, gain, शकतो वेट गेन वन पॉइंट जीरो जीरो वन के जी पुतो दैट मीनस वेट गेन हा जो प्रोसेस है ना हा कंटिन्स प्रोसेस है एक्स बोलो वेट गेन वेट गेन ये जर का बोलत असेन एक्सर वैल्यूज या इन्फाइनाइट आती कि वेट गेन नहीं दैट मस एक्स इज अ बेसिकली कंटिन्स रैंडम वेरियेबल गैप गैप मैं नहीं वेट च वैल्यू वेट गेन चो वैल्यू तो कंटिन्स है ओके

टू है थ्री तो हाँ है फोर है और फाइनली एक्सचे वैल्यू फाइव पन आहे ओके पहा ना इत इधे दिस्त का एक्सचे फाइव आहेत वैल्यू पण पाउट हा आहे की प्रोएबिलिटी काय है यार प्रोबेबिलिटी का ठीक है प्रोएबिलिटी त्यांनी काहीतरी फॉर्म्युला दिला वन डिवाइड बाय टू रेस टू फाइव मेरे वन डिवाइड बाय थर्टी टू इंटू फाइव सी एक्स का इंटू फाइव सी एक्स हा प्रोबिलिटी का फॉर्म्यूला सीम्पल फाइव सी एक्स ठीक आहे हा दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बर दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जर का मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो फाइन करा जीरो एक्स एक्सी वैल्यू जीरो है ना प्रोबेबिलिटी वैल्यू फाइन कराई अलग तो फॉर्म्य क्या बनाल महिला का फाइव सी जीरो पा एक्सा कि जीरो टाइम लगे डिवाइड बाय थर्टी टू तो है खाली आता फाइव सी जीरो तुम्हें सिंप्लिफाय करा फाइव फैक्ट्रोल डिवाइड बाय डिफरेंस ने फाय मतलब डिफरेंस फाइव फैक्ट्रोल इंटू जीरो फैक्ट्रल डिवाइड बाय थर्टी टू तो सो हा बनो वन वन डिवाइड बाय थर्टी टू समझला करें बाबा तुम्हारा सो जीरो प्रोबेबिलिटी वन डिवाइड बाय थर्टी टू बनते मैं डायरेक्टली तिथि लिखुट टाको आधी ओके जर का तुम्हारे प्रोबेबिलिटी ऑफ वन क्या एक्स्ट्रा जागी इतें इतना या फॉर्म्युला एक्स्ट्रा जागी वन टाइम तुम्हारा सीम्पल सो फाइव सी वन डिवाइड बाय थर्टी टू दैट मीनस हा फाइव बाय थर्टी टू बनते तुम्हारा तो फाइव सी आर का फॉर्मुला कि एन सी आर का फॉर्मला व्यवस्थित महिला पाए बट हाँ अपन दाखो फाइव सी वन मीन्स फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरस डिफरेंस दट इज फोर फैक्टोरियल फाइव वन डिफरेंस इन टू वन फैक्ट्रल करा लगे डिवाइड बाय थर्टी टू तो है नहीं का सो य आंसर बनते फाइव डिवाइड बाय थर्टी टू फाइव डिवाइड थर्टी टू यस इतना लिखित मैं फाइव डिवाइड बाय थर्टी टू बे थोड़स रब करते आता जर का कहती न से फाइव सी आर कि एन सी आर चाहता फॉर्म्यूला थोड़स एक्सप्लेन कर संगत है पा इत ओके अपने एनसीआर च फॉर्म्य फाइन कह बोर ना एनसीआर च फॉर्म्यूला बराबर एन सी आर हास्तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस ऑफ आर होल फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल हा फॉर्म्यू है बेसिक फॉर्म्यूला है महिला अपना आता प्रोबेबिलटी ऑफ टू जर का फाइन कराए प्रोबेबिलिटी ऑफ टू फाइन कराए तो वन डिवाइड बाय थर्टी टू तो है सर बस टू टाइम लगे एक्स्ट्र जाए फाइव सी टू बन रहे वर्ती आता फाइव सी टू मन फाइव सी टू मैं क्या रहे फाइव फैक्टर डिवाइड बाय डिफरेंस एन माइनस आर सर का फाइव माइनस टू दैट इज यू टू थ्री फैक्टोरियल इन टू टू फैक्टोरियलिय डिवाइड बाय थर्टी टू तो है करा थोड़ा कैलक्युन फाइव फैक्ट्री फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंट टू इंटू वन बराबर डिवाइड बाय खाली थ्री फैक्टोरियल है ना थ्री इंटू टू इंटू वन टू फैक्टोरियल है ना खाली तो थोड़ा सा आधी लितो हाँ हर डिवाइड बाय डिवाइड बाय खाली थर्टी टू है थ्री टू वन इधे थ्री टू वन इधे कैंसल होते सो टू वन जा टू टू जा करो वरती बनते टेन फाइव इंटू फाइव इंट टू करा टेन बनते आंसर शुड बी टेन डिवाइड बार्ट टू यस गाइस सो हाँ बनते टेन डिवाइड बाय थर्टी टू बनला पाहिजे ठीक है आता हज वैल्यू खरतर उलटा लिया ओके okay, दाखो तो इनकेस जात कन्फ्यूजन नको आता अपने थ्री सा प्रोबिलिटी फाइन कर कशाच थ्री सा ब्री सा फाइन कर उलटा लिया खराब बट ठीक है पहा था, था। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री गाइस प्रोबिलीटी ऑफ थ्री कास्ट्रा की थ्री टाइम फाइव सी थ्री करा डिवाइड बाय थर्टी टू आता तो फाइव सी थ्री yes no? का कैलक्युशन फक्त फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरेंस इज़ टू फैक्टोरियल इन टू थ्री फैक्टोरियल नो डिवाइड बाय थर्टी टू तो हैच मैं वाटा है अरे आत्ताचल होते कैलकुलेशन टेन बाय थर्टी टू बराबर ना टेन बाय थर्टी टू बराबर ना पाँल का उलट सुरू जाए नहीं समझना न समझ इतें रिवर्स मग फाइव बाय थर्टी फाइव बाय थर्टी टू तो जो पहला होता वन बाय थर्टी टू तो लिहाय हाँ तो तुम्हें करूँ पहा रही कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी ऐक्चुअली ठीक है जैना महत नहीं लोड ना घूँ ओके okay. पहाय कि एकदा जिथे रिवर्स ना मैं सुरू कर रिवर्स कराएगा अशा केसेस केसेसमें ओके अपने क्या चेय है थोड़स ते, ते खाली खूप सारे वैल्यूज दिल्ली नहीं, नहीं का प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेसर दैन इक्वल टू थ्री एंड प्रोबिलिटी ऑफ सॉरी प्रोएबिलिटी ऑफ एक्स लेसर दैन इक्वल टू टू एंड प्रोएबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्री थोड़ा सा कंपेरिजन कराए करूया पहा आता मैं काम करते प्रोएबिलिटी ऑफ एक्स लेसर दैन इक्वल टू टू फाइन एक्स लेस दिन इक्वल टू टू मे जीरो पातो वन पलतोन चलो बरा बर तिघा ऐडिशन हा वन बाय थर्टी टू है ओके हा फाइव बाय थर्टी टू है ओके हाँ टेन बाय थर्टी टू है टेन डिवाइड बाय थर्टी टू है समझता है तिघंसा ऐडिशन मुला सिक्सटीन डिवाइड बाय थर्टी टू बन रहे तो बनना रहे, 2, है वन डिवाइड बाय टू समा वन बाय टू बनना मनता है तो मत कि दूसरा जो है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्री है मने? आत्ता अपन का महत्ति कर एक्जैक्टली तिघांच एडिशन के पहा पाया तिघाच बरबर ना आता आपको क्या क्या महिला का प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर ने इक्वल टू थ्री मेजर तो रहाला तिघंस एडिशन कराए एक्स ग्रेटर ने इक्वल टू थ्री थी तीन पाते चलते पांच पा चलते तो राहल तीन नहीं का पा एडिशन करा तो बन रहा है सम कारण क्या वैल्यू आ वैल्यू सेमत नहीं का वन बाय थर्टी टू फाइव बाय थर्टी टू टेन बाय थर्टी टू नर गोष्टी पूर्ण रिवर्स सैम सेम गोटी है सो अपन वन बाय टूज बनना है कर दोगे वैल्यू एक्जैक्टली सेम आ है सो तो ऑप्शन नंबर वन हाला आंसर ऑप्शन नंबर ए पारे एग्जैक्टली सेम बोलते तो आपका इतना आंसर है। ओके ऑफ एक्स इट गिवन एज फाइव ठीक है कि e X, 5। चलो ओके वी ऑफ एक्स इट्स गिवन एज सिक्स ठीक है यार ई e ऑफ एक्स स्क्वे वैल्यू फाइंड करा तुम्हारा वेरियंस का जो फॉर्म्य है वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वे माइनस ऑफ ई ऑफ एक्स का होल स्क्वेर हा वेरिएंस का फॉर्मुला है ना का जो फॉर्म्य है तो एज डिज मैं इतना लिखा है बोल वी ऑफ एक्स का वैल्यू सिक्स है लीला ई ऑफ एक्स अरे स्क्वे अरेत नहीं ना माइनस ऑफ ई ऑफ एक्स क फाइव है ना फाइव का स्क्वेर किलो ट्वेंटी फाइव होल ना माइनस ट्वेंटी फाइव की अल्प प्लस होर्टी वन आंसर बनना है बहुत एक ना मजे ई ऑफ एक्स का जो है ना मुला दैट इज थर्टी वन सो ऑप्शन नंबर डी हा अपला इतना आंसर आना है करेक्ट नेक्स्ट फॉर्म्युलाइजे बरबर का इतने

तर एन कायर अपने एन ते विचारतात बरोबर ठीक है यार पहा मी मैं लिहितोय पहा इथे एक्स लिहितोय इथे पी ऑफ एक्स लिखो आता रैंडम वेरिएबल एक्स एज इज वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव अप टू अप टू अप टू एन समझ की रँडम व्हेरिएबल्सच्या वेरियबल्स जो आहेत ना ते इक्वल म्हणजे मान्यकानी प्रॉबेबिलिटी सेम असली पाहिजे मैं वाट प्रत्येक प्रोबेबिलिटी वन बाय एन 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 अब टू वन बाय एन अभी अली तो है ज्यादा मैं वन बाय एन वन बाय एन प्लस वन बाय एन प्लस वन बाय एन प्लस वन बाय एन अप टू लास्ट लप टू एन्थ n वन बाय एन अवेस मैं एडिशन करेन तो डिनोमिनेटर तो सेम रही वर्ती वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन एस एन टाइम्स करें तो एन बने के कैंसल होने केंटे वन बने प्रोबेबिलिटी एडिशन जरूर तुम्हारा वन मेंटेन ठेवाएं हे तुम्हें क्या? वन बाय लिख लगे आधी समझु प्रोबलिटी वनवाए अरे बाय डिट अपना प्रोबलिटी वन ठेवाद तो तो नहीं है मैं जो है ना ते थोड़ा सा यूज करून ते है कि X, e ते ते करता है वी ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स क्लेम करता है ठीक है ना वी ऑफ एक्स इज टू ऑफ एक्स ओके बारे में

पी आय एक्स आई ऐसी स्क्वेर माइनस ऑफ ई ऑफ एक्स मे पी आय एक्स आय चाहल स्क्वेर वो आते पी माला फक्ता। था था पी आई एक्स आई इतक लिया मेरा फक्त जे सर्वतान सोप मे वाट पी आई एक्स आई चमेशन कराएगा सो करा, करा मल्टिप्लिकेशन करा या दोह मल्टिप्लिकेशन पी आय एक्स आई पी आई एक्स आई बराबर ना योग मल्टिप्लिकेशन या दोगें मल्टिप्लिकेशन या दोगे मल्टिप्लिकेशन या दोगान मल्टिप्लिकेशन समझता गंतो महित वन बाय एन प्लस टू बाय प्लस थ्री बाय एन प्लस फोर बाय एन अपू एन बाय सम हा है आपला हा है अपना पी आएक्स आय समेन ई ऑफ e हाँ एक्स एक्चुअली मुला ई ऑफ एक्स है बराबर ना पन्ना एक फॉर्म्यूला मैं क्लिक होता इधे जगह तुम्हें इधे ना रहे डिनोमिनेटर तो एन है डिनोमिनेटर तो एन है बट न्यूमरेटर हा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस अब टू एन है मग तुम्हारा महिला का सिक्वेन्स सीरीज मतलब तो फॉर्मुला वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस अपू एन ऐर्म्ला तो क्या आता पा एन एन टू एन प्लस वन डिवाइड बाय टू असा फॉर्मुला मैं तो न्यूमर वन प्लस टू प्लस थ्री अफ टू एन बट डिवाइड बायपन एन है ना आधीपासन हा एन मगे एन एन कैंसल होता एन प्लस वन बाय टू इतक सीम्पल बनते है इतना नहीं का बनत एन प्लस वन डिवाइड बाय टू एव बनना इतना फक्त हा ई ऑफ एक्स है यार य या स्क्र पाजे होता माला यजस्त स्क्वेर पाजे होता ना डन के स्क्वर आता रहो प्रश्न फक्त ना समेशन ऑफ पी आई एक्सआई स्क्वेर इतका रहो फ बो गया। तेच्च, तेच्च कहीं होता नक्की होता पहा पी आई एक्सर स्क्वेर कराए बल थोड़स वरती करशन पा रे मी का कमेंट्स वाचलो मेन्शन है कि सर नेक्स्ट स्लाइड वरती संपला ना नेक्स्ट स्लाइड वरती तो क्या महिला तुम्हारा जर का कन्फ्यूज ना हो जे आता मैं केशन तो मैं रब के मग जर का समझा तो कन्फ्यूज होते हैं तुम्हारा सो मे बी तुम्हें का महिला का तो तुम्हें फ्त वीडियो पता है और वीडियो पहुन सोल्यूशन समझना ट्राई करता है तुम्हारा नेक्स्ट स्लाइड का पाए कारण की स्लाइड तुम्हारा लाइक पहायी है कंटिन्असली पहायी है मे बी बरबर न तो मैं क्या मना कि पहता है ना मग साइड बाय साइड तुम्हें नोटबुक वो जर का लिहाल तो तुम्हारा तो प्रॉब्लम होना चाह मु फक्त पहला नहीं कदाचित तो प्रॉब्लम so, like, like, okay? तो. तो okay, हो सकते सो घ्या बरोबर बरोबर म्हणजे मी कहीं तुम्हाला लाइक इन्सल्ट असं म्हणायचं नाही मला ओके कि एक किंवा काही कमी असा हेतु नहीं होता ऐज अ म्हणून घ्या पॉजिटिव फीडबॅक नाही का सो जर का तुम्ही फक्त पहात आर आोटू करते लिखित नाल तो प्लीज लिहा ओके नक्की इम्प्रूवमेंट होईल आता पहा आपल्याला काय म्हणतात समेशन ऑफ पी आई एक्साइज का स्क्वेर का अपना एक्साइज का स्क्वेर स्क्वेर वन इन टू पी आये वन बाय बनो ठीक है ओके okay. टू या स्क्वे प्रोबेबिलिटी टू या स्क्वे बाय बनो टू या स्क्वे बाय बनो वन वन ऐसी स्क्वेरन पी आय एक्सा स्वेयर बर वन बाय पी आय एक्स तीन का स्क्र थ्री ऐसी स्वेयर बाय एन बनते तस रे फोर का स्क्वेर बाय एन बनना है तस अप टू एन च स्वेर बाय एन बनना है बट तुम्हारा समझ वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर ऐसा पे एक फॉर्मुला अपने वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री टू अप टू एन स्क् वन स्क्वेयर प्लस टू स्वेर प्लस थ्री स्वे अप टू एन स्वेर पा फॉर्मुला है एंड सीरीज मेरे ओके का तो फॉर्मुला तुम्हारा महिला ना तो प्लीज इतने लक्ष्य ठेवा था एन इन टू एन प्लस टू एन इंटू टू एन प्लस वन एन इन टू एन इन एन इन टू एन प्लस वन सॉरी व्यवस्थित होल डिवाइड बाय सिक्स अम्युला रे तो फक्त ते न्यूमरेटर एडिशन आणि खाली तर एन है न रे बाबा खाली तर एन ना शेवटी मग तो एन आन हाँ कैंसल टाकूया आपण आणि समेशन ऑफ पी आई एक्सआई स्क्वेर जो काट किया लिखुन टाकतो एन प्लस वन इन टू इन टू इन टू इन टू टू एन प्लस वन होल डिड बाय काल डिवाइड बाय सिक्स तर हे आपला आंसर आहे आता आता इथून गोष्टी सॉल्व करू अपने एन का वैल्यू इतने फाइन कराए मैं एन प्लस वन एन प्लस वन सर्व ठिकाणीच आहे डायरेक्टली तो कैंसलच होता मजल जर का तुम्हें ठरल कि इतना एन प्लस वन कॉमन कराए तो मीड कर दो तो वर्षा कैलक्युलेशन का पार्ट हाँ वाला एन प्लस वन सर्वज ठिकाने कॉमन करा कैंसल करा डायरेक्टली बराबर करते तो प्रोसीड पहा था थे। तो पाल रहा इतना एन प्लस वन तुम्हें कॉमन करू शाह मैं इतना एन प्लस वन कॉमन करीन एन प्लस वन ओके कॉमन करीन तो इधे रहू तो एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स ओके इधे रह एन प्लस वन कॉमन केन रहना टू ऐसी स्क्वेर जो है तो फोर बनारे And that is equal to n plus one divided by two. अता इथला n plus one and हाँ n plus one अप्पला directly cancel कर Cross multiplication. So four इथलाजोन multiply हाँ six इगले उन multiply. ठीक So 8n plus 4 minus of 6n minus of 6 divided by. खाल्दी बंद six into four. And that is equal to ठीकड़ा one divided by two है नाई का. So 2 जा, 2 two twos is इथे twelve बनला तो twelve ठीकड़ाजोन multiply. Okay. So 8n 8n minus of 6n is 2n. Four minus six कर minus Minus two ones दैट इज इक्वल टू ते बनते ट्वेल्व दैट मीन्स टू एन इज इक्वल टू गाइज फोर्टीन एन इज इक्वल टू सेवेन हा अपना आन्सर बनना है इतना एन शुड बी इक्वल टू सेवेन ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर रहा है ओके नाउ सी गाइज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का बोलता है अ रैंडम वेरिएबल एक्स एज द वैल्यू वन टू थ्री फोर अपू एन विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज यार आत्ता पास समझता होता इलेवन वरती बरबर ना करेक्ट विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज बरबर थोड़े से चेंजेस पता है हे पहा मैं तुम्हारा समझ का कि एक्स वैल्यू पी ऑफ एक्स वैल्यू बरबर रैंडम वेरिएबल वैल्यू का, है का है? वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है अप टू अप टू टू अप टू एन पर्यत जा रैंडम वेरिएबल प्रत्येक प्रोबेबिलिटी हा वन बाय वन बाय एन वन बाय एन वन बाय एन वन बाय एन सो ऑन अप टू वन बाय एन असन प्रत्येक वन बाय बिकॉज वन बाय एन प्लस वन बाय एन प्लस वन बाय प्लस वन बाय एन अन टाइम्स कराला एडिशन हा एन बायजे वन बनतो आडिशन ही वन पाजेज को ही, ही हालतीत नहीं का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूनज ना तो ठीक अर है अरे क्या बोलता है, ते है, ते है तो बोलता है वेरियन्स ऑफ एक्स इट्स इक्वल टू फोर टाइम्स ई ऑफ एक्स आता अपने का ही गोषी महती है वेरियन्स ऑफ एक्स मे का ई ऑ ऑ ऑफ एक्स स्क्वेर माइनस ऑफ ई ऑफ एक्स होल स्क्वेर बरबर नहीं दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू फोर टाइम्स ई ऑफ एक्स फोर टाइम्स ई ऑफ एक्स हम जान बरबर तो पराच यार अपने फोर टाइम्स ई ऑफ एक्स का है? मी कास्ट ऐसी सम मधुन ई ऑफ एक्स आई ऑफ एक्स स्क्वेर एज इट इज कैरी ओवर केज इट इज उचल तो कहीं फरक पड़ना है का तो सामने हा सम सेम ना एक्स्ट्रा सेम वैल्यूज है नहीं का प्रोबेबिलिटी सेम वैल्यूज मगन तेरियंस हाँ सेना है सो ऐज इट इज उचल उचल इतना टाकत है पहा मैं ओके पहा रहा इतने इतने मी, okay? मी थोसा हाईलाइट करते हाँ हाँ हा हा हा, हा, हा। दिखता है हाँ हाँ अपना ई ऑफ एक्स्क्वेर का एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स ओके इतना लिखो मैं एन प्लस वन ओके इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स माइनस ऑफ मीन का होल स्क्वेर मीन हा एन प्लस वन डिवाइड बाय टू हाँ मीन एक्चुअली बट तो स्क्वेर कराएँ है अपने इतने ओके एंड दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू फोर टाइम्स तो रेप एन प्लस वन डिवाइड बाय टू कराया लगे अपना बिकॉज ई ऑफ एक्स का तो वैल्यू है मतलब एन प्लस वन कॉमन होजेक एन प्लस वन कॉमन इधे बनतु टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स इधे बनते पहा एन प्लस वन डिवाइड बाय डिड बाय फोर कराएगा लगे बूचा स्क्वेर फोर तो ना विसरू ओके दैट इज इक्वल टू इधे पहां बनते टू बनतो टू एन प्लस वन हाँ टू वन ज टू टू ठीक हाँ, हा, so uh, है हाँ एन प्लस वन इथला एन प्लस वन कैंसल क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा फोर तिक मल्टीप्लायो एट एन एट एन प्लस फोर माइनस ऑफ सिक्स एन माइनस ऑफ सिक्स डिवाइड बाय सिक्स इंटू फोर एंड दैट इज इक्वल टू तिक फू रहो सम्वेंटी फोर तिक मल्टीप्लाय फोर्टी एट बनना टू इंटू ट्वेंटी फोर इज़ फोर्टी एट इधेना एट एन माइनस सिक्स टू एन टू बरबर ना टू एन वैल्यू एक्चुअली फिफ्टी बनो तो मुलाजे एन ऐसी वैल्यू ट्वेंटी फाइव बनला पे सो आंसर शुड बी ट्वेंटी फाइव आंसर शुड बी ट्वेंटी फाइव दट इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय ओके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मगनता है देन फोर इंटू ई ऑफ एक्स स्क्वे माइनस वेरियंस ऑफ एक्स इट्स इक्वल टू वॉट ठीक है यार एक काम करते जर नीट बगत विचार फोर इंटू ऑ ऑफ एक्स स्क्वे ठीक है माइनस ऑफ वेरियंस वेरियन का फॉर्मला क्या आरोप वेरियंस का फॉर्मुला ई ऑफ एक्स स्क् माइनस ऑफ माइनस ऑफ ई ऑफ एक्स होल स्क्वेयर ना ई ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर बरबर ना रे हा ऐक्ली अपना वेरियंस का ऑफ एक्स स्क्वे माइनस ऑफ ई ऑफ एक्स एक्सक्र इज थ्री ई ऑफ एक्स स्क्वे योर नो माइनस माइनस प्लस बनते हा माइनस माइनस प्लस बनते ई ऑफ एक्सा होल स्क्वेर एक्चुअली अपने वैल्यू फाइन कराएगी तुम्हारा समझता का ई ऑफ एक्सक्वेर का महत्ति का समेशन ऑफ पी आय एक्स आई च स्वेर असत कि नहीं प्लस ई ऑफ एक्स मे रे समेशन ऑफ पी आई एक्स है बट तो होल स्क्वेर कराए ना तेज तो होल स्क्वेर कराएं बरबर मग मैं एक काम करते जे इजी है तो आधी करुँ घो समेशन ऑफ पी आई एक्स है मेरा थोड़ा इजी बाटो नहीं का बार पा तो पी आए एक्स है समझता मल्टिप्लिकेशन कराएस पैंलत तो जीरो पैंता तो मल्टेशन जीरो दूसरा मल्टीप्लिकेशन जीरो पॉइंट फाइव बन तीसरा मल्टिप्लिकेशन मूल जीरो पॉइंट सिक्स बनतो चौथा मल्टीप्लिकेशन जीरो पॉइंट फाइव बनतो सो एडिशन समेशन बोलता ना? है ना समेशन ऑफ पी आई एक्स एडिशन करा तो वन पॉइंट सिक्स बनते वन पॉइंट सिक्स डायरेक्टली फाइनली वन पॉइंट सिक्स अपने इतने टाइलर है ओके पारे वन पॉइंट सिक्स का स्क्वेर मजे वन पॉइंट सिक्स का स्क्वेर मीनस टू पॉइंट फाइव सिक्स कराएं लगेगा इतने टू पॉइंट फाइव सिक्स स्वेर स्वेर कर टाला का डायरेक्टली स्क्वेर कर इतने ओके ना नेक्स्ट रब करता इतना थोड़ा सा आता ना अपने पी ऑफ सॉरी समेशन ऑफ पी आय एक्साइज स्क्वेर कराए समझ पी आई एक्साय च स्क्वेर एक काम करते इतना पी आय एक्साय ऐसा स्वयर जीरो अरे तो जीरो छोटी ठीक है चलो ओके पी आय एक्साइ स्वेयर वन ऐक् वनो तो मल्टीप्लिकेशन जीरो पॉइंट फाइव बनना पी आई एक्साय ऐसा स्क्वेयर थ्री ऐक्वेर नाइन बनते नाइन इंटू जीरो पॉइंट टू करा तो वन पॉइंट एट बनते पी आई एक्सा स्क्र है बारे फाइव्चा स्क्वेयर ट्वेंटी फाइव बनते इंटू जीरो पॉइंट वन करा नेट टू पॉइंट फाइव करा रे सर वन सा करा करा एडिशन का बनते थ्री फोर फोर पॉइंट एट बनत एडिशन इज फोर पॉइंट एट ना इज फोर पॉइंट एट लिया बर तिथे फोर पॉइंट एट फोर पॉइंट एट कि फोर पॉइंट एट बनला तो लगे फोर पॉइंट एट प्लस टू पॉइंट फाइव सिक्स ना करूँ थ्री है ना तिथे आधी सा मल्टिप्लिकेसन पड़ा मगे मल्टिप्लिकेशन का पा हा फोरटीन पॉइंट फोर बनता नहीं का ट्वेल्व बराबर फोर्टीन पॉइंट फोर प्लस 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 टू पॉइंट फाइव सिक्स करा एडिशन सिक्स रहते बनो पॉइंट सिक्सटीन पॉइंट नाइन सिक्स सो एज आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज सिक्सटीन पॉइंट नाइन सिक्स अपना इतना आंसर नेक्स्ट सम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक रैंडम वेरिएबल जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिल है तो विचारत ई e ऑफ एक्स पा तुम्हारा ना टेबल ड्रॉ करा लगता ई ऑफ एक्स टेबल है का इतने नहीं है टेबल ड्रॉ करने गरजे एकदम एक काम करते हुए. टेबल ड्रॉ कर सुरू करते नसी एक्स्ट्रा वैल्यू सबा बर का बोलते हैं तो एक्सी वैल्यू माइनस वन है मैंने एक्सी वैल्यू जीरो पन है मैने एक्सी वैल्यू वन पन है मैंने एक्सी वैल्यू टू पाए पा न माइनस वन जीरो वन टू अक्स्ट्रा अच्छा, वैल्यूज वेगा ठीक है यार चलो मैं एकम करो प्रोबिलिटी वैल्यूज लिखो आता इतने जरा इतने ली मैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू माइनस वन का तिथे टाइल तुम्हें थ्री मैनस वो पा एक्ट्रा जा मैनस वन टाइल डिवाइड बाय टेन बराबर ना सो फोर बाय बनो दैट इज जीरो पॉइंट फोर बनते प्रोबेबिलिटी बनते जीरो पॉइंट फोर जर का तुम्हें जीरो टाला पा प्रोबिलिटी फंक्शन नीट प्रोबेबिलिटी का फंक्शन हाँ थ्री माइनस एक्स बाय टेन है क्या का तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो एक्टी वैल्यू जीरो प्रोबिलिटी फाइन कर जीरो टाइम लगे सो थ्री माइनस जीरो थ्री माइनस टेन करा थ्री डिवाइड बाय टेन करा तो व्यूल गेट जीरो पॉइंट थ्री ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ वन जर का फाइंड करा तो वन टाकन तुम्हारा आंसर जीरो पॉइंट टू मिल है मुला इतने वन टा तुम्हें वन टाका टू थ्री माइनस वन करा तो टू बनो टू बाय टेन करा तो जीरो पॉइंट टू सो इत जीरो पॉइंट टू लिया टू टाक जीरो पॉइंट वन टू टाक तो. है मुला जीरो पॉइंट वन आता आपकी मेन का पा एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स समेशन ऑफ पीआई एक्सत पीआईक्स का एडिशन करा पर या दूरों का मल्टीप्लिकेशन इज मनस जीरो पॉइंट फोर फाइन या दूरों मल्टीप्लिकेशन इज जीरो गाइज या दूर मल्टीप्लिकेशन इज जीरो पॉइंट टू या दोन मल्टिप्लेशन इजो पॉइंट टू जर जो करा तो जीरो मिलो तुम्हारा एडिशन पा माइनस जीरो पॉइंट फोर एरो पॉइंट टू प्लस जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट फोर बना एडिशन करा तो जीरो बनते दैट और समेशन ऑफ पी एक्स इज जीरो मीन वैल्यू इज जीरो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी ओके ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर ठीक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज गिवन एज ठीक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिला दिलाता है सी डी एफ सोप्पा साम सी डी एफ सी डी एफ कराएं क्या अरे प्रोबेबिलिटी च एडिशन करो एक्स इधे लिखो पी ऑफ एक्स ओके थ्री देन फोर देन फाइव वन या खाली लिया जीरो पॉइंट वन ऐज इट इज नहीं का टू खाती टू पर्यत प्रॉबलिटीज़ एडिशन टू पर्यत प्रॉबिलिटीज़ एडिशन मुलां यह दी नहीं पहा या द्चिशन नहीं का कित ले जीरो पॉइंट थ्री है कि नहीं लिखा इतने जीरो पॉइंट थ्री लिखो पा मैं इतने थ्री खाली थ्री पर्यटन प्रॉब्बिलिटी एडिशन मेरे एवं 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 नहीं का सो जीरो पॉइंट सिक्स बनना होता कितनी जीरो पॉइंट सिक्स मुला जीरो पॉइंट सिक्स बनते जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट सिक्स फोर च खाती फोर पर्यटन प्रॉब्लिटी एडिशन तो बनो जीरो पॉइंट एट बस जीरो पॉइंट टू ऐड एक्स्ट्रा फस्ट्रा इत इतने जीरो पॉइंट टू फ एक्स्ट्रा एड कराएगा फाइनली फाइव का खाती अपना लिया लगता वन फाइव पर्यटन या एडिशन जो कि वन बन सॉल्ट बराबर सोसला ऑप्शन चेक करा पा जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट वन यस ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर एक मिनट क्या ऑप्शन नंबर नंबर सी करेक्ट है का य थोड़स मागेपुढ़ नहीं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यस गई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है पहा एक्चुअली तिथे ना एफ ओफ एक्स नौता पाजेज इतने पी ऑफ एक्स पाइज होता पाया। पाया सर्व ठिका बर पी ऑफ एक्स पाइज होता प्रॉब्बीटी का फंक्शन है नहीं का एफ एक्स पी पी ऑफ एक्सला ठीक है चलो ए अरे सॉरी 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 एफ ओफ एक्स करेक्ट है क्या बोलते है? मैं थोड़ा कन्फ्यूज आचुअली मैं वाटल अपन प्रोब्रिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का नहीं कम्युनिटी वाड़ला न कम्युनिटी एफ चुकून चला ठीक है क्यम्युनिटी लाप कैपिटल एफ ऑफ एक्स ने रिप्रेजेट कर कॅपिटल एफ ऑफ एक्सनी रिप्रेझेंट करत असतो हो आपण किम्युनिटी डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन सेशन yes? so आपण इथे आता क्लोज करूया आपण आतापर्यंत प्रोबेबिलिटीमध्ये डिस्क्रिट रँडम वेरिएबल हा कॉन्सेप्ट पाहिला मीन पाहिलं व्हेरियन्स पाहिला त्याच्यानंतर एमसी क्यूज केल्या आहेत आपण थर्टी एमसी यूज केले आहेत डीपीपी नंबर वन प्लस डीपीपी नंबर टू दोन्ही इन्क्लूड करून प्लस एक्सरसाइज नंबर सेवन पॉईंट वन टेक्स्टबुक मध्ये इतकं सर्व कम्प्लीट केलेलं आहे आता नेक्स्ट सेशन मध्ये तुम्हाला मी कंटिन्युअस रँडम वेरिएबलचा पी देणार आहे पण कसं आहे रे की आता डिस्क्रीट झाला आपला आता कंटिन्युअस जर का परत व्यवस्थित समजायचं असेल किंवा जर का तुम्ही अभ्यास नाही केलं तर काय होईल माहिती का कंटिन्युअस सुरू केल्यानंतर डिस्क्रीट आणि कंटिन्युअसमध्ये फुल कन्फ्युजन व्हायला लागेल सो बेटर वे काय तुम्ही आतापर्यंत जो शिकवलेला आर्टिकल आहे ना एकदम व्यवस्थित करून घ्या म्हणजे ज्यावेळेस मी कंटिन्युअस रँडम व्हेरिएबलचे क्वेश्चन्स घेईन तुम्हाला बिलकुल पण थोडासा पण काही प्रॉब्लेम नसणार ओके सेज बाय सेशन मी इथं एंड पन्तोड करतो आहे भेटूया आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये सेम टाईम विथ सी क्यूज ऑन